हिस्सा बनाना है, वो भी 21वीं सदी के डिजिटल माध्यम से, जिससे आम आदमी जीवन की चूहा दौड़ से बाहर निकल के एक मनपसंद जीवन, जी हाँ कॉम्प्रोमाइज्ड फ्री लाइफ जीने की परिकल्पना कर सकता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं हेल्प इंडिया ऑनलाइन परिवार की ताकत को। हेल्प इंडिया ऑनलाइन परिवार भारत का सेक्शन 8 रजिस्टर्ड नेशनल फाउंडेशन है, जो बिजनेस सोशल एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म के जरिए, जिसका नाम है B2Me ईकॉम, पूरे भारत में कार्यरत है। दोस्तों संस्था एजुकेशन में NSDC की अप्रूव्ड पार्टनर है। जी हाँ ये नीति आयोग से रजिस्टर्ड संस्था भी है। संस्था एजुकेशन में साउथ एशिया की पहली बेगलेस स्कूल देने का कार्य भी संस्था द्वारा हुआ है। दोस्तों न्यूरोसाइंस रिसर्च को लेके संस्था सरकार के साथ कार्यरत है। प्रिवेंटिव हेल्थ ट्रेनिंग में हमारी संस्था भारत की पायोनियर संस्था है। दोस्तों हमारा परिवार एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ऑर्गेनाइजेशन है और देश का पहला कम्युनिटी बेस्ड जॉब प्लेटफॉर्म भी इसी संस्था ने दिया है। दोस्तों पूरे साउथ एशिया रीजन में सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग में पायोनियर हमारा परिवार ही है। जी हाँ तो जानते हैं हमारे परिवार के बारे में। वेलकम टू द जर्नी टूवर्ड सक्सेस। जी हाँ दोस्तों हम हेल्प इंडिया ऑनलाइन संस्था की ही बात कर रहे हैं, जो भारत का मोस्ट सक्सेसफुल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, जो भारत के लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है। दोस्तों यहाँ पे लर्निंग और अर्निंग दोनों अपॉर्चुनिटी एक जगह पे है। इस संस्था का निर्माण भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए किया गया है और इस मिशन में संस्था 5 विंग्स के ऊपर कार्य कर रही है, जिसमें प्रथम विंग है शिक्षा। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ वर्ल्ड क्लास एजुकेशन क्या होता है। वर्ल्ड क्लास एजुकेशन में 3 चीज़ें हमारे वेदों ने बताई है, जिसमें चरित्र निर्माण, सामाजिक कंट्रोल और फाइनेंशियल फ्रीडम, ये 3 चीज़ें जहाँ से मिलती है वही वर्ल्ड क्लास एजुकेशन या शिक्षा का वास्तविक स्वरूप है। लेकिन हमारे बच्चों को सिर्फ लिटरेसी स्किल सिखा के स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ ये दावा कर रही है कि उन्हें शिक्षित किया जा रहा है, लेकिन हमारा बच्चा सिर्फ एक स्किल में पारंगत हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जीवन की लड़ाई में सफल हो तो उसे 8 कोर स्किल्स में आपको पारंगत करना है, जिसमें लिटरेसी स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, फंक्शनल स्किल, वोकेशनल स्किल, कल्चरल स्किल, स्पोर्ट्स स्किल, रिक्रिएशन स्किल और लाइफ स्किल है। ये एजुकेशन हेल्प इंडिया ऑनलाइन संस्था आपके और आपके परिवार के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराती है, जिसमें फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल शिक्षा का भी समावेश किया गया है। दोस्तों शिक्षा के साथ साथ वर्चुअल लर्निंग को भी निःशुल्क आपके बच्चों तक ये संस्था पहुंचाती है। ये हमारी शिक्षा की विंग हुई। अब दूसरी विंग है हमारी स्वास्थ्य की विंग। दोस्तों स्वास्थ्य की विंग में हम प्रिवेंटिव हेल्थ पे काम करते हैं, मतलब बीमार होने से पहले बीमारी से लड़ना, उसकी ट्रेनिंग लेना और उसके अवेयरनेस के बारे में जानकारी लेना। पूरे भारत की हम कह सकते हैं कि प्रथम या पायोनियर कंपनी यही संस्था है। तीसरा विंग आप ही लोगों के लिए संस्था ने बनाया है, जो है एम्प्लॉयमेंट विंग, जिसमें संस्था 2 प्रकार से काम करती है। आप एज ए एम्प्लॉयर या एम्प्लॉई किसी भी प्रकार से जुड़ सकते हैं, या अपने बच्चे को रोजगार दिलाने के लिए उसके बारे में जानकारी संस्था के पोर्टल पे भेज सकते हैं। उन बच्चों को अपस्किलिंग के माध्यम से नौकरी तक पहुंचाना संस्था का कार्य रहता है। इसके अलावा चौथा विंग संस्था का है मदद। दोस्तों मदद में संस्था डेथ मेजर एक्सीडेंट, जिसमें हम कह सकते हैं फुल डिजेबल पर्सन हो जाए, या क्रिटिकल डिजीज अगर किसी संस्था के सदस्य को होती है तो संस्था उसमें आकस्मिक आपदा फंड से मदद भी करती है। बाकी प्रकार की मदद ऐच्छिक मदद के रूप में आप ले सकते हैं। अगला विंग इसका व्यापारिक विंग है, जिसमें आप सोशल एंटरप्रेन्योर बनके अपने कार्यों को संस्था के साथ शेयर कर सकते हैं। संस्था के पार्टनर इंस्टीट्यूशन की बात करूं तो कई सारे पार्टनर इंस्टीट्यूशन, जिसमें पेटीएम बैंक, डीटा लैब, CC Avenue, NSDC,
B2Me.com, इस तरीके की कई संस्थाएं हमारे पार्टनर विंग में हैं। आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको सिर्फ फ्री रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आप हमारे पोर्टल www.helpindiaonline.in पे जाना है। अपनी KYC अपडेट करते हुए आप अपना यूनिक ID एंड पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं और हमारे साथ कार्य शुरू कर सकते हैं। अगर आप इन सभी कार्यों को पूरे भारत में हमारे साथ करते हैं तो इसमें आपको फ्रीडम प्लान के तहत भारत का अधिकतम लाभांश प्रदान किया जाता है संस्था की तरफ से। इसके अलावा जो कार्यकर्ता हैं उनके लिए एक लेवल डिज़ाइन किया गया है जिसका नाम है सिटी हेड लेवल। वहाँ पे हम रिकॉग्निशन क्लब बना रखा है संस्था ने, आपके भविष्य के इनकम को देखते हुए। और इसके अलावा हर लेवल पे एक परफॉर्मेंस बोनस भी डिज़ाइन किया गया है। संस्था हर लेवल पे आपके ट्रेनिंग का ख्याल भी करती है, जिसमें सोशल एंटरप्रेन्योरशिप से लेके प्रिवेंटिव हेल्थ केयर कंसल्टेंट और मेटा स्किल न्यूरोसाइंस कोच की ट्रेनिंग भी आपको संस्था द्वारा ही निःशुल्क प्रदान की जाती है। तो दोस्तों, ऐसे अद्भुत और विशाल परिवार में आप आइए और अपने परिवार के भविष्य को उज्जवल बनाइए। जय हिंद, जय भारत। ऐसा है परिवार हमारा, सुख दुख दोनों साथ हमारा। ऐसा है परिवार हमारा, सुख दुख दोनों साथ हमारा। एक दूजे पर ध्यान हमारा, संकट मोचन। दोस्तों, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और आज के नेशनल ट्रेनिंग पैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत है। और जितने भी हमारी कंट्री से लोग देख रहे हैं, लगभग 24 कंट्री से इस चैनल को वॉच किया जाता है और यूट्यूब के ऊपर आप सब लोग लाइव हैं। तो इस समय यूट्यूब के ऊपर भी जितने सदस्य बैठे हुए हैं, आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मैं पंकज वर्मा, ट्रेनिंग विंग का चेयरमैन, आप सभी का हेल्प इंडिया की तरफ से स्वागत करता हूँ। और आज का सेशन दोस्तों माइंड ब्लोइंग होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ वो शख्सियत है कि जिनसे लोग मिलने के लिए तरसते हैं। आज वो आपके सामने खुद यहाँ पर हैं और देश सेवा के लिए जिन्होंने अपना जीवन लगा दिया। और ऐसे शख्सियत को हम लोग प्रणाम करते हुए उनको बुलाने से पहले मैं उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि डॉक्टर पीयूष सक्सेना, जो कि एक जानी मानी हस्ती है और अपने इंडिया के अंदर नहीं विदेशों में भी इनके परचम इन्होंने लहराए हैं। और डॉक्टर पीयूष सक्सेना जैसी शख्सियत जो कभी कभी अवतरित होती है धरती के ऊपर, ऐसी शख्सियत को हम सब लोग तहे दिल से प्रणाम करते हैं। और आप सब लोगों से मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि डॉक्टर पीयूष सक्सेना जी के स्वागत में एक बार जय मां भारती का आप लोग टाइप करके एक अपना उत्साह दिखाएं, ताकि आज हम लोग या डॉक्टर पीयूष सक्सेना जी का वेलकम, थैंक यू सो मच मोहित जी, एंड आप लोग अपना मैसेज टाइप करके जय मां भारती का उद्घोष करें। जय मां भारती के उद्घोष के साथ में ही हम आपको बताना चाहेंगे कि डॉक्टर पीयूष सक्सेना जो कि एक ऐसे शख्सियत है जिन्होंने लोगों को वो वरदान दिया है जो लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भी अपने लिए वो नहीं पाते हैं, वो उन्होंने फ्री देने का ऐलान किया और अपना स्वास्थ्य अपने हाथ, ऐसा एक नारा दिया भारत के लिए और पूरे विश्व के लिए उन्होंने नारा दिया। और ऐसी शख्सियत हमारे इस आज पैनल के ऊपर है। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हुए उनको आज वेलकम करने से पहले आज उनकी छोटी सी प्रोफाइल भी दिखाएंगे, जो जिसमें कि हम उनका छोटा सा परिचय देते हुए फिर हम डॉक्टर सुदर्शन राव जी को यहाँ पर आमंत्रित करेंगे, जिन्होंने शिक्षा क्षेत्र के अंदर लगभग 35 साल तक धमाल मचाया और आज भी उनके अंदर वो बच्चों की तरह से सीखने की ललक वो हम लोगों को बहुत ज्यादा प्रेरणा देती है। तो डॉक्टर सुदर्शन राव जी को भी हम अपने पैनल के ऊपर बुलाएंगे डॉक्टर पीयूष जी के वेलकम के लिए। और फिर हम लास्ट में अपने सेशन को समराइज करेंगे, जो कि डॉक्टर जगदीश पारिक जी, जो कि फाउंडर हैं हमारे हेल्प इंडिया ऑनलाइन के परिवार के, उनसे हम इस संस्था इस आज के सेशन का समापन भी करवाएंगे। तो डॉक्टर पीयूष जी के साथ में आज सेशन शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि डॉक्टर पीयूष जी के पास खजाना है, आपको लूटना है, आप जितना लूट सकते हो लूट लेना आज, और जितना भी ले सकते हो ले लेना। डॉक्टर साहब के साथ में क्वेश्चन आंसर सेशन भी रहेगा, वो क्वेश्चन आंसर सेशन हो सकता है कि आज थोड़ा सेशन लंबा हो जाए, तो आप लोग पेशेंस के साथ में अपने क्वेश्चंस को नोट करते रहिएगा। और आपके जाहिर सी बात है आपके जहन में सवाल बहुत ज्यादा आएंगे, क्योंकि डॉक्टर साहब की जो फिलॉसफी है वो लोगों की सोच से भी ऊपर है, लोगों की सोच से परे है,
तो इसलिए आप लोग अपने अपने सवाल रखिएगा नेचुरोपैथी के ऊपर। आज हमारा बहुत जबरदस्त सेशन होने वाला है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि हेल्प इंडिया परिवार के अंदर ना कि हम लोग केवल नेटवर्क बनाकर जोड़ने का काम, वेबकूप बनाने वाला काम ऐसा ना करके हम यहाँ पर स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, जिससे आप एक हैप्पी लाइफ जी सकें। मोहित जी कह रहे हैं कि लूटने के लिए तैयार है। बिल्कुल सर, ज्ञान लूटने के लिए तैयार होइएगा और कुछ मत लूट लीजिएगा। तो डॉक्टर सुदर्शन राव जी को मैं इनवाइट करूंगा। डॉक्टर सुदर्शन राव जी, डॉक्टर पीयूष सक्सेना जी को वेलकम करने के लिए आप अपने दो शब्द रखें, उसके बाद में डॉक्टर पीयूष सक्सेना जी की मैं एक प्रोफाइल प्ले करूंगा, देन हम लोग डॉक्टर सक्सेना जी को यहाँ पे बुलाएंगे। डॉक्टर सुदर्शन राव जी प्लीज वेलकम सर, एक बार अनम्यूट दोबारा कर लीजिए प्लीज। सभी को मेरा सादर नमन। आज का सेशन के लिए हम काफी दिनों से प्रयास कर रहे थे और अंत में हम सफल भी हुए। डॉक्टर पीयूष सक्सेना से मेरा परिचय अभी तो वैसे पिछले हफ्ते 10 दिन में ही हुआ है, लेकिन उनके बारे में मैं 3-4 महीने से लगातार जब से कोरोना क्राइसिस है सुनता रहा और यूट्यूब पे उनके बहुत सारे वीडियोस हैं, जिसको देखकर मैंने सोचा कि क्यों ना इस थेरेपी को किया जाए। तो मैंने उनकी टीम से संपर्क किया, हमारे पास मिस्टर मेहंदी रत्ना है, उन्होंने मुझे बताया फातिमा मैडम से आप कांटेक्ट करिए, और फातिमा मैडम के थ्रू फिर डॉक्टर पीयूष सक्सेना जी से कांटेक्ट हुआ। एक बहुत ही होनहार शख्सियत हैं डॉक्टर पीयूष सक्सेना। एक चीज मैं बता दूं, ये नेचुरोपैथी में इलाज कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने स्कूल लेवल पे बायोलॉजी नहीं पढ़ी है और ये लखनऊ यूपी से है, वहीं से इन्होंने अपना 12th का एग्जाम पास किया, इंटर का। उसके बाद इन्होंने अलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन किया और थोड़े दिन ये इन्होंने बैंक ऑफिसर का भी जॉब किया, लेकिन अभी फिलहाल जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट यानी कॉरपोरेट वर्ल्ड के साथ है। इतना सब कुछ होते हुए भी ये बहुत ही एंटरप्राइजिंग है, बहुत ही एडवेंचरस है और सीखने का इनको हमेशा जो है ना बहुत प्रयत्न करते रहते हैं कि नई नई चीजों को कैसे सीखा जाए। आप जादूगर भी हैं, आप कवि भी हैं, आप राइटर भी हैं और आपने PhD की डिग्री USA अमेरिका से नेचुरोपैथी में की है। इनका बहुत सीधा सा फंडा है और इनकी बहुत सारी थेरेपीज हैं। आज जर्नल टॉक होगी, ये कहते हैं खाओ पियो मस्त रहो, क्लींस करो स्वस्थ रहो, यानी खाने पीने में कोई परहेज नहीं करते, प्रकृति के नियमों का पालन करते हैं। और ये जो है आजकल के जमाने में, क्योंकि प्रकृति से मनुष्य बहुत दूर हो रहा है, हमारे चारों तरफ प्रदूषण है, लाइफस्टाइल है, स्ट्रेस है और हम लाखों रुपए अपना जो है डॉक्टर्स के पास जाकर खर्च करते हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए, तो ऐसे माहौल में डॉक्टर पीयूष सक्सेना का साथ मिल जाए और हम अपना इलाज खुद अपने आप करें और उसका कोई साइड इफेक्ट भी ना हो, फायदा ही फायदा हो, तो ये सोने पे सुहागा होगा। तो डॉक्टर पीयूष सक्सेना का स्वागत है हेल्प इंडिया परिवार की ओर से, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और एक छोटा सा वीडियो हम देखेंगे डॉक्टर साहब के बारे में और उसके बाद ओवर टू डॉक्टर पीयूष सक्सेना। पंकज जी क्लीजिंग थेरेपी क्या है?
कोई डोनेशन एक्सेप्ट नहीं करता हूँ और कोई प्रोडक्ट प्रमोट नहीं करता हूँ, बस मजा आता है इसको करने। क्लीनिंग थेरेपी क्यों अपनानी चाहिए? अपने लिए, परिवार के लिए, एम्प्लॉयर के लिए और देश के लिए। और सबसे मजेदार बात यह है कि एक लिवर क्लींस करने के बाद 6 महीने तक हार्ट अटैक नहीं होता, ये मैं गारंटी लेता हूँ। ये मेरी सेकेंड गारंटी है, उसके पहले फर्स्ट गारंटी धीरे धीरे चर्चा के साथ आएगी। सुदर्शन जी ने बताया कि मैंने बायोलॉजी नहीं पढ़ी है, मैं आपके घर में ये प्रयोग किया जा चुका है आपको याद दिलाना चाहता हूं। जब आपका स्कूटर या बाइक खराब होती है, क्या आप किसी ऑटोमोबाइल इंजीनियर के पास जाते हैं? कभी भी नहीं जाते। आप किसके पास जाते हैं? आप एक ऐसे स्कूटर मैकेनिक के पास जाते हैं जिसका नेकर और शर्ट कभी भूरा हुआ करता था, अब मूवी लग लग के काला हो चुका है। न सिर्फ इतना, आप पूरे भरोसे से जाते हैं कि वो आपकी गाड़ी को ठीक कर देगा और आपका ये भरोसा हर बार सही उतरता है। क्यों नहीं आप ऐसा करते कि अपनी गाड़ी का तमाम जांच कराएं, कार्बोरेटर की क्या कंडीशन है, ब्रेक की क्या कंडीशन है, इंजन आयल की क्या कंडीशन है, ऑयल की क्या कंडीशन है, गियर की क्या कंडीशन है। 20,000 रुपए खर्चा कीजिए जांच पे। आपने ऐसा नहीं किया था, आपने सीधे सीधे फैसला किया मैकेनिक के पास जाना है और आप सही होके आ गए। जांच में और इलाज में कितना खर्च का फर्क है और सेवा का फर्क है, आप मेरा इशारा समझ गए होंगे। आजकल इंफॉर्मेशन ओवरलोड का जमाना है। बीमारी तकलीफ आई नहीं कि कंप्यूटर पे पढ़ना शुरू कर दिया, गूगल, व्हाट्सएप ग्रुप्स बात की गई। सवाल ये उठता है कि आप अपनी बीमारी के बारे में पीएचडी करना चाहते हैं या इलाज के बारे में कक्षा 4 का ज्ञान। मुझे मालूम है आप इलाज पर ही कंसंट्रेट करेंगे। पैथोलॉजी रिपोर्ट्स, मैं इनको ज्यादा नहीं मानता, ये मेरी वेबसाइट पे दी हुई है जो आपको सामने दिखाई जा रही है। ये मेरे इस वो प्रेजेंटेशन स्क्रीन पे आना है ना? प्रेजेंटेशन मैं आपका चालू कर दूं, आप बताएंगे तो मैं चालू। नहीं बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए। ओके स्टार्ट कर दीजिए, मैं स्लाइड के उसी हिसाब से आ रहा हूं। मैं पैथोलॉजी रिपोर्ट्स को मैं ज्यादा नहीं मानता क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग होती है। आपका पैसा भी लगता है, कितना पैसा लगता है आप अंदाज नहीं कर सकते। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक एक्सरे की कीमत कितनी आती है, कोई कहेगा 400 रुपए, कोई कहेगा 600 रुपए, कोई कहेगा 800 रुपए, ये सही कीमत नहीं है। सही कीमत मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ, 15 मिनट बताता हूँ। तब तक पैथोलॉजी रिपोर्ट्स के बारे में, हाँ थोड़ा और आगे आइए, और आगे एक पैथोलॉजी रिपोर्ट और आगे। हाँ यहाँ पे बहुत क्लियर नहीं दिखाई देंगे आपको, लेकिन ये साइट पे यहाँ पे एक इशारे के लिए आपको मिलेंगी खाली। ये मेरी अपनी पैथोलॉजी की रिपोर्ट्स हैं जो 48 घंटे के डिफरेंस से मैंने एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अपना अल्ट्रासाउंड चेकअप कराया था। पास से आप नहीं देख पाएंगे, इनकी सैंक्टिटी जानने के लिए, सारी रिपोर्ट्स की सैंक्टिटी जानने के लिए ये एक मार्गदर्शक है। ये मैंने ठीक है, ये कंपेरिजन चार्ट है। ये आप हैरान रह जाएंगे कि किडनी की साइज तक में मेजर डिफरेंस आया हुआ है, जो कभी हो ही नहीं सकता। एक में फैटी लिवर है, एक में नॉन फैटी लिवर है। हमें इस कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है। मेरा सिर्फ एक इशारा ये है कि पैथोलॉजी रिपोर्ट्स को वेद वाक्य मत मान लीजिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। ये जो मैं बताने जा रहा हूं आपको, ये एक बहुत बड़े हॉस्पिटल के बारे में बात कर रहा हूं, अमेरिका में है। एक दिन का खर्चा 10 लाख रुपए। वहां के 6 कार्डियोलॉजिस्ट ने मिलके तमाम जांच कराई एक मरीज की, 2D इको, डिस्ट्रेस टेस्ट, व्हाट नॉट, और एक कंक्लूजन दे दिया, इस मरीज की जिंदगी अब 72 घंटे से ज्यादा की नहीं है। मुझे आपसे ये पूछना है कि ये कंक्लूसिव रिपोर्ट जो हॉस्पिटल से दी गई है, जिसको 6 कार्डियोलॉजिस्ट ने कंसल्ट करके तमाम जांच के रिपोर्ट्स को आधार बना के दिया हुआ है, ये देख के आपको कैसा लगता है? कोई कहेगा वसीयत करा ले, कोई कहेगा बिल भरना शुरू करेगा, कोई कहेगा कंडोलेंस की तैयारी करें। ये सब मैं नहीं मानता, और ये तमाम चीजें मैंने अपने पहले वीडियो में क्लियर की हुई हैं।
मेरे बारे में जो कुछ बताया गया उसकी शुरुआत तो कहीं और है, जो मैंने अपने पहले वीडियो में क्लियर किया है कि मैं खुद इतनी बुरी हालत में पहुंच चुका था हेल्थ की कि अगर शायद हफ्ता 10 दिन और लिवर क्लीन नहीं करता तो मेरा जिंदा रहना मुश्किल था, लेकिन नसीब को कुछ और मंजूर था। मैं आपसे इस हॉस्पिटल के बारे में बात करने जा रहा हूँ। कोई भी बड़े से बड़ा हॉस्पिटल कोई भी ओपिनियन दे दे, कोई भी डॉक्टर कोई भी ओपिनियन दे दे, हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रकृति जब कई दरवाजे बंद करती है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई दरवाजा खोलती है। एक उदाहरण देता हूं आपको, नींबू का अचार, पुदीन हरा, इसबगोल, इनके बारे में कोई डॉक्टर बताता नहीं है और आप सब इनके बारे में जानते हैं क्योंकि ये आपको फायदा पहुंचाते हैं। आगे चलते हैं, हमारा शरीर कितना मजबूत है, विंडोज 95 25 साल पहले आ गया, आज कोई नाम भी नहीं जानता उसका। मर्सिडीज बेंज का नए से नया मॉडल 5 साल में कितना पुराना हो जाता है आप भी जानते हैं। हमारे शरीर में किसी भी करेक्शन की कोई भी गुंजाइश आज तक कोई भी टीम ऑफ डॉक्टर सजेस्ट नहीं कर पाई। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर कभी ये ओपिनियन आपके पास आए कि ये बीमारी लाइलाज है, ब्लड प्रेशर की दवाइयां जिंदगी भर चलती रही, आर्थराइटिस की दवाइयां जिंदगी भर चलती रही, किसने कहा ये? क्या उनको सुप्रीम पावर ने ये अधिकार दिया था कि वो ऐसा कह दें? लेकिन मैं डॉक्टरों को कभी दोषी नहीं मानता क्योंकि उनका प्रोफेशन है। मैं दोषी मानूंगा आप लोग को कि आपको डॉक्टर के पास जाने के पहले आंख खुली रखनी चाहिए कि क्या अल्टरनेट थेरेपी में कहीं और इसके लिए कोई गुंजाइश है। क्लीनिंग थेरेपी में कुछ मेरे क्लेम्स हैं, लेकिन ये अकेली थेरेपी नहीं है, होम्योपैथी है, एक्यूप्रेशर है, सुजोक है, तमाम चीजें हैं। ध्यान रखें, हमारी नजर में अक्सर बीमारी लाइलाज नहीं होती, कोई ना कोई इलाज होता है, हम आगे चर्चा करेंगे। इसको लेडीज ज्यादा इस्तेमाल करती है, इसका प्राइम एज ग्रुप यूज करने का 25 से 65 साल का है। हमारे पास रिसर्च ज्यादा नहीं, रिसर्च होगी भी कैसे? हम और हमारे तमाम वॉलंटियर्स निशुल्क सेवा करते हैं क्योंकि हमें आनंद मिलता है और इस आनंद की कोई कीमत नहीं है। आज सुदर्शन जी मुझे आपके पास तक इसलिए लेके आए हैं कि वो आपके चेहरे पे वो मुस्कुराहट देखना चाहते हैं जो उन्होंने अपने चेहरे पे देखी थी जब उन्होंने लिवर क्लीन किया था और उसका लाभ उठाया था। आगे चलते हैं, मैंने जो कुछ किया इधर उधर के नुस्खे जहां जहां से, जो शुरुआत लिवर क्लीन से हुई थी मेरी, देश विदेश के जो भी नुस्खे थे, स्वभावतः मेरे बारे में बताया गया एडवेंचरस हूं। सही बात है, मैं करता पहले हूं सोचता बाद में। तमाम प्रयोग मैंने अपने ऊपर किए और करके शुरुआत मैंने पहला लिवर क्लीन, फिर किडनी क्लीन, फिर एसिडिटी पैरासाइट, फिर ज्वाइंट क्लीन 2008 में किताब लिखी मैंने, फिर मुझे 4-5 क्लीन और समझ में आए, फिर मुझे लगा कि इस तरह से तो हर ऑर्गन का क्लीन हो सकता है, उनके बारे में जानना शुरू किया। आज हम 28 क्लीन्स में हैं और ये श्रृंखला सेवा अभी रुकी नहीं है, हमारे और क्लीन्स भी धीरे धीरे आ रहे हैं। हम मॉडर्न एलोपैथिक मेडिसिन का विरोध नहीं करते हैं, हम आज भी मानते हैं कि वो लास्ट वर्ड है पैथोलॉजी में, एक्यूट प्रॉब्लम्स में और सर्जरी में। सर में दर्द आपके होगा, हमारे पास कोई तरीका नहीं है कि आपको 20 मिनट में आराम दिला दें, हम कहते हैं भाई एस्प्रो खा लो ना, हमें ठीक होने से मतलब। हम थोड़ा सा इशारा करते हैं, हमें कई रिकॉग्निशन मिले हुए हैं। गूगल ने हमें $10,000 का पर मंथ का एड ग्रांट दिया हुआ था जिसकी वजह से हमारी साइट बहुत लंबे समय तक नंबर 1 पे आती रही, उसके चलते हम बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए, हमारे कई वीडियो बहुत हिट हुए। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने हमारे लिए प्रपोजल कंसीडर किया 28 लाख ग्रांट का अंडर कंसीडरेशन। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने मुझे टॉक के लिए इनवाइट किया था और अभी लेटेस्ट में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, वो इस बात पे काम कर रहे हैं कि किस तरह से क्लीनिंग थेरेपी को रिकॉग्नाइज किया जाता है। ये सब श्रृंखला धीरे धीरे आगे बढ़ती चली गई और ये जो आप देखने जा रहे हैं अगला वीडियो, ये इस स्लाइड, ये देश की सबसे बड़ी टॉक है जियो टॉक,
ये जियो टॉक मैंने एक साल पहले रिलायंस के प्लेटफॉर्म पर दी थी और ये मुझे खुद भी नहीं पता ये सब कैसे होता चला जाता है। मुझे बस एक चीज पता होती है और मैं अक्सर इस बात को पाते वहां से डिस्कस भी करता हूं, हमको रुकने का अधिकार नहीं और हमको आराम का अधिकार नहीं है जिनको सेवा का मौका मिलता है। और आप सबके लिए भी जब आप इसका आनंद लेंगे ना तब आप महसूस करेंगे कि कितना अच्छा लगता है जब पता चलता है या नहीं पता चलता है कि हमारे किए हुए किसी प्रयास से कहीं ना कहीं दुनिया के किसी भी कोने में किसी इंसान को कुछ फायदा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, क्लींस की किसको जरूरत है? मैंने कहा कि हम रिपोर्ट्स को नहीं मानते, एक कारण और भी है। आप जहां कहीं भी हैं वहां पे किसी प्रोमिनेंट लोकेशन पे खड़े होके एक ही सिरिंज से ब्लड निकालिए और एक एक ड्रॉप ब्लड आजू बाजू की चार लेबोरेटरी जो बेस्ट आप समझ सकते हैं उनको दीजिए और कहिए सिर्फ एक जांच करें कि हीमोग्लोबिन परसेंटेज कितना है। क्या आपको लगता है रिजल्ट्स यूनिफॉर्म आएंगे? नहीं आते। आप कहेंगे फर्क क्या पड़ता है 11.5 हो, 11.4 हो, 11.6 हो, 11.55 हो। मेरा कहना है कि फर्क इससे बहुत ज्यादा आता है और जितनी बार मैंने ये प्रयोग किए हैं रिजल्ट्स चौंकाने वाले रहे। हम टेस्ट की बात अभी नहीं करेंगे। फिर कैसे माने कि हमारा स्वास्थ्य खराब है? एक प्रश्न, सिर्फ एक प्रश्न अपने आप से, क्या हमारा एनर्जी लेवल आज उतना ही है जितना 5 साल पहले था? बस अगर आपको लगता है कि आपका एनर्जी लेवल उतना ही है हमें आगे चर्चा की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कहीं ना कहीं कमी आई है आइए डिस्कस करते हैं। एनिमल प्लेनेट डिस्कवरी चैनल आप देखेंगे शेर जब जंगल में गायों का पीछा करता है ना तो बूढ़ी गाय को नहीं पकड़ पाता है। 100 साल 90 साल 80 साल 70 साल बुढ़ापा हमने अपने ऊपर ओढ़ा हुआ है। शर्म तो तब आती है जब 30 साल वाला भाई 20 साल वाले भाई से कहता है तू क्या जाने 30 साल का बुढ़ापा क्या होता है, हड्डियां कितनी थक जाती, मुझे नहीं पता कि दोष किसको। लेकिन सच्चाई यही है हर घर के आसपास ये सब हो रहा है। सवाल ये उठता है बीमार पड़ते क्यों है? प्रकृति ने कहा जंगल में रहो और कच्चा खाना खाओ, बस। कोई जानवर आज भी खाना पका के नहीं खाता है। प्रकृति ने कहा जंगल में रहो कच्चा खाना खाओ, आज भी कोई जानवर खाना पका के नहीं खाता है। जंगल में रहने पे एक नियम और होता है, कोई बैंक बैलेंस नहीं, कोई कैरियर का चक्कर नहीं, कोई बिजनेस का चक्कर नहीं, कोई जीएसटी का चक्कर नहीं, कोई लॉकडाउन का चक्कर नहीं। जंगल के नियम तो जंगल के नियम होते हैं, सब आजाद होते हैं अपने आप को बचाने के लिए, अपने खाने की व्यवस्था करने के लिए। सिविलाइजेशन में ह्यूमन बींग्स के बच्चे को इट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर एनिमल्स। इंसान के बच्चे को इंडिपेंडेंट होने में 14-15 साल लगते हैं, प्रकृति की व्यवस्था ऐसी है, उसका मस्तिष्क ज्यादा डेवलप करना होता है। इस चक्कर में पारिवारिक व्यवस्था, जंगल से बाहर रहना, अलग रहना, ये सब चालू। कुक फूड पोल्यूशन, पोल्यूशन में कहां 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 क्या क्या जुड़ा देखिएगा। बिल्डिंग्स, नेचर ने नहीं कहा था कि बिल्डिंग बना के रहो। कारें, इंडस्ट्री, सड़कें, कुछ भी नहीं नेचर ने। ज्यादा चर्चा इस बारे में जरूरत नहीं है, आप समझ गए कि मैं क्या कहना चाहता हूं। आगे जुड़ते, मैंने जो 28 क्लीन डेवलप किए, ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं ये सारी मेरी वेबसाइट पे है और ये प्रेजेंटेशन भी मेरा मेरी वेबसाइट पे है, आप ले सकते हैं वहां से। ये 28 क्लीन के नाम मैंने दिए, सॉरी ये मैंने बीमारियां दी हुई हैं। ये मेरा पहला क्लेम है 90% ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स कैन बी क्योर्ड 100% बाय क्लीनिंग थेरेपी। हमारे शरीर में होने वाली 90% व्याधियां घर बैठे कम खर्च में 1,500 रुपए में क्योर हो सकती हैं। ये ध्यान दीजिएगा, मैंने बार बार क्योर की बात की है, मैं रिलीफ की बात नहीं करता। और आप सब शिक्षित हैं,
आप जानते हैं क्योर और रिलीफ में फर्क क्या होता है। रिलीफ में कुछ घंटों के लिए आराम होता है और क्योर में वो बीमारी इतिहास बन जाती है। ये लंबी लिस्ट दी है मैंने, आप पढ़ सकते हैं। करीब करीब हर बीमारी का इलाज इसमें पॉसिबल है। कुल कुछ बीमारियां ऐसी भी हैं जिनमें कम फायदा होता है, कैंसर, एचआईवी, एड्स, पार्किंसन, इस तरह से। हमारी स्ट्रेंथ ये है, कोर स्ट्रेंथ है। हमने जो सामान इस्तेमाल किए हैं वो आपके घर के आसपास मिल जाते हैं, कुछ भी महंगा नहीं है। ज्यादातर चीजों में आप बाजार से निश्चिंत होकर खरीद सकते हैं। प्रोडक्ट वेरिएशन की भी चिंता ना करें, सब सिंपल है, सब कुछ सिंपल है। एक बार आपको बता दें कि मैंने 28 क्लीन डेवलप किए, ये आपके सामने स्क्रीन पे 12 क्लीन आ रहे हैं जो मैंने बुक पे दिए हुए हैं। इसकी शुरुआत होती है किडनी क्लीन, एसिडिटी क्लीन, पैरासाइट क्लीन, लिवर क्लीन, ज्वाइंट क्लीन, फैट क्लीन, कोलन क्लीन, माउथ क्लीन, ओवरी एंड पीसीओएस क्लीन, यूट्रस क्लीन, फर्टिलिटी, फेलोपियन ट्यूब क्लीन, वजाइना क्लीन। इसमें से शुरू के 6 में वीडियो है और उसके अलावा मेरा एक इंट्रोडक्शन का वीडियो है, और इसके साथ ही हमारे बहुत सारे वीडियो साइट पे अपलोडेड हैं जो कि अलग अलग पेशेंट्स के भी हो सकते हैं, हमारे वॉलंटियर्स के भी हो सकते हैं। इसके अलावा 16 माइनर क्लीन हैं जो मुझे लगा था कि हर एक के काम नहीं आएंगे, तो किताब में नहीं है, लेकिन ये सब वेबसाइट पे अवेलेबल है, ये आप देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको चर्चा मनोरंजक लग रही है। अभी थोड़ी देर में हम आपके साथ प्रश्नोत्तर में जुड़ेंगे। बीन्स के शक्ल के दो ये किडनियां दिखाई दे रही हैं। मैं आपको गणित के फार्मूले से समझाना चाह रहा हूं, बताना चाह रहा हूं ये कि क्लीनिंग थेरेपी काम कैसे करती है। ये दो किडनी दिखाई दे रहे हैं, हर एक के शरीर में होती है। अगर मैं पूछूं आपसे कि इसका काम क्या है, आप एक ही जवाब देंगे, खून को साफ करना, एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। आपके सामने स्क्रीन पे फंक्शंस दिखाए जा रहे हैं किडनी के, मैं रिपीट कर रहा हूं, ये सब चीजें मेरी वेबसाइट पे हैं, आप बाद में देख सकते हैं। ये फंक्शंस मैं दिखा रहा हूं आपको किडनी के, ये मॉडर्न मेडिसिन की डिटेल स्टडी के बाद है, और एक बार आप सुनेंगे तो आपको भी ये लॉजिकल लगेगा। एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी एब्जॉर्प्शन, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, मेंटेनिंग एसिड बेस बैलेंस, मेंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, मेंटेनिंग फ्लूइड बैलेंस, ये स्लाइड आपके सामने है, प्रोस्टेग्लैंडिन सिंथेसिस, स्टिमुलेटिंग आरबीसी प्रोडक्शन, खून बनाने के लिए संदेश पहुंचाना। ये इतने फंक्शन हमारी किडनी करती, हम यही जानते रहे कि किडनी का काम है एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। सभा से सीधा प्रश्न ये है कि क्या ऐसा हो सकता है कि कुक्ड फूड और पॉल्यूशन के चलते किडनी के ये सारे फंक्शंस कुछ कमजोर हो गए। मेरा प्रश्न ये नहीं है कि कितना कमजोर हुए, 10% 15%, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कुछ कमजोर हुए। मुझे जवाब से सिर्फ हाँ या ना में चाहिए, और अगर फंक्शंस कुछ कमजोर हुए हैं तो यह भी जानिएगा ये किडनी तो एक अंग है, हमारे शरीर में तो तमाम अंग है, हार्ट है, स्किन है, लंग्स है, लिवर है, मसल्स हैं, पता नहीं कहां कहां क्या क्या कमजोरी। कुक्ड फूड और पोल्यूशन की जगह हम जिंदा रहते हैं, लेकिन कितने लोग हम में से आज ऐसे हैं जो शाम को 9 बजे उतनी ही फुर्ती से भागने के लिए तैयार रहते हैं जितने सुबह के वक्त तैयार होते हैं। और ये ध्यान दीजिएगा कि जंगल के नियमों में एनिमल प्लेनेट और डिस्कवरी चैनल पे जानवर किसी भी टाइम उतनी ही फुर्ती से भागते हुए दिखाई देते हैं। अब मैं ये बताने जा रहा हूं कि किडनी जब कमजोर होती है उसके लक्षण क्या होते हैं। पीठ में दर्द बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, और इसके बारे में मैं थोड़ी विस्तार में चर्चा करता हूं।
आपने आपके परिवार में, आपके मित्रगणों में, सहकर्मियों में कभी किसी को पीठ के दर्द की शिकायत अगर हुई तो उसको याद कीजिएगा। जब पीठ का दर्द होता है तो क्या होता है? जब पीठ का दर्द होता है तो सबसे पहले हम उसको बियर करते हैं। हमको तो अक्सर ये भी नहीं पता होता कि वो पीठ का दर्द हम किस स्पेशलिस्ट को दिखाएं। आसपास में संपर्क करते हैं, येलो पेजेस देखते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में बात करते हैं, शुभ चिंतकों से बात करते हैं, तब पता चलता है कि ये ऑर्थोपेडिक सर्जन। ध्यान दीजिएगा, आप ऑर्थोपेडिक सर्जन सजेस्ट सेलेक्ट करते हैं क्योंकि आप किसी भी हालत में अपने स्वास्थ्य के साथ समझौता नहीं करते। ऑर्थोपेडिक सर्जन जब आप उसके पास कंसल्टेशन के लिए जाते हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन आपसे पूछता है इंश्योरेंस है कि नहीं, एमआरआई की जरूरत पड़ेगी। आप स्वास्थ्य के लिए कुछ भी करने को तैयार है, आपने एमआरआई या एक्सरे के लिए अपनी सहमति दे दी, आप एक्सरे कराने के लिए अगले दिन बुलाया जाता है, आप जाते हैं। आप कैसे जाते हैं ये बताना चाहता हूं। आप कहते हैं 400 रुपए कीमत आई, मैं कहता हूं 400 रुपए कीमत नहीं आई है, कीमत बहुत ज्यादा आई है। 400 रुपए आपके आने जाने का खर्चा, आपको एक दिन की छुट्टी प्लान करती है, चाहे जॉब में है चाहे बिजनेस में है। इसके अलावा आपके घर वाले भी चिंतित हैं कि किसी तरह से ये L4 L5 की प्रॉब्लम ठीक निकल आए तो हमारा सहारा हो जाएगा, पीठ के दर्द के बारे चला नहीं जाता। ये सब चीजें खर्च में आती है। किसी वजह से मैं ये चर्चा कर रहा हूं, आप भगवान को भी स्पेशली याद करते हैं कि भाई ये किसी तरह से ठीक हो जाए। रिपोर्ट आती है आपकी 100% केसेस में, अगर कोई मेजर इंजरी नहीं है जो कि पहले से पता चल जाती है, फॉर एग्जाम्पल साइटिका स्लिप डिस्क, ये क्लिनिकल एग्जामिनेशन से पता चला आपके पीठ का दर्द का एक्सरे हुआ, 2-3 घंटे के बाद रिपोर्ट आई, आपको पता चला आप ठीक ठाक है, आप बड़े खुश हो गए। लेकिन इस खुशी की कीमत किसको चुकानी पड़ी? आपको खुद को। अगर आप पहले से जान लेते कि दर्द क्यों है, जो कि मैं अब बताने जा रहा हूं, आपको बता दिया गया कि आपके पीठ में दर्द है, इसके बाद उन्होंने अपनी ओपिनियन दे दी, पेन किलर SOS ले लेना है, फ्लैट बेड पे लेटना है, गोदरेज की स्पेशल कुर्सी का इस्तेमाल करना है, भारी वजन नहीं उठाना है। अभी तक ये बात नहीं आई है कि दर्द क्यों हो रहा था और जाएगा क्या। और कहा जाता है या सुना जाता है ऐसा कि पीठ का दर्द एक बार आने के बाद जाता है। ये रिलीफ मेजर्स की बात अलग होती है, क्योर मेजर्स की बात अलग होती है। मैंने इसलिए पीठ के दर्द के मुद्दे को उठाया कि कॉमनली लोग इससे कनेक्टेड होते हैं, यही नियम बाकी बीमारियों में भी लागू होता है। पीठ के दर्द का सिंपल एक कारण है, गणित की तरह प्योर है ये, कि जब हमने प्रकृति के नियम तोड़े, जंगल छोड़ के शहर में रहना शुरू किया, पका खाना खाया और तमाम पॉल्यूशन के फैक्टर्स XYZ जो भी हो हम चर्चा कर चुके, हमारे शरीर में धीरे 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 टॉक्सिन्स का लेवल बढ़ता चला गया। और जब हमारे शरीर में टॉक्सिन्स का लेवल धीरे 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 बढ़ता चला गया, एक दिन ऐसा आया कि ब्लड ने डिसाइड किया कि अब हमें बॉडी को सिग्नल देना चाहिए, क्योंकि अब अगर नहीं संभले तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और ब्लड में एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स जो नहीं निकल पा रहे थे किसी वजह से, किडनी के कमजोर होने की वजह से, वो निकल गए। उन टॉक्सिन्स की वजह से ये दर्द आया और किडनी क्लींस के तरीके से ये दर्द 2 दिन में हमेशा के लिए चला जाता है। मैं बार बार रिपीट करूंगा, मैं किडनी क्लींस की अभी बात कर रहा हूं, लेकिन बाद में लिवर क्लींस हमारा सुप्रीम है और हमारे इलाज की गारंटी उसके साथ शुरू होती है। किडनी क्लींस में करने से शरीर से जहर निकल जाता है, जहर निकलने के साथ पीठ का दर्द हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। टॉक्सिन निकल गए, जो बेसिक कॉज था जब वो ठीक हो गया तो फिर दर्द रहेगा क्यों? आगे सुनिएगा, सिम्टम्स ऑफ वीक किडनी में यूरिन में ब्लड का आना, चेंजेस इन फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन पास्ट, हाई एंड लो ब्लड प्रेशर, किडनी या यूरिटर में स्टोन का आना, किडनी एरिया में पेन होना, यूरिन जाने में बर्निंग सेंसेशन होना, लेडीज को UTI की प्रॉब्लम होना, आंख के नीचे झाइयां होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल है कि किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है, और शाम को थकान,
ये वीक किडनी के सिम्टम्स हैं। अब आप जो सामने स्लाइड देख रहे हैं, ये हमारे हथियार है कि किडनी मजबूत होने पर, सॉरी किडनी कमजोर होने पे हम किडनी क्लींस कैसे करें। मेरे ख्याल से लॉजिक आप समझ रहे हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। ये तीन दिखाई दे रहे हैं, पार्सली है, उसके बाद भुट्टे के बाल है, ये तरबूज के बीज है। इनके नीचे इनकी क्वांटिटी दिखाई दे रही है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये सब चीजें हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, www.thetempleofhealing.org, www.thetempleofhealing.org, और हमारा ईमेल एड्रेस है cureyourselfindia@gmail.com। ओके, हमने नीचे सबकी क्वांटिटी दी हुई है, सूखे हुए भुट्टे के बाल 50 ग्राम, गीले भुट्टे के बाल 500 ग्राम, पार्सली 500 ग्राम, तरबूज के बीज 100 ग्राम, इनको उबाल के इनका पानी पी लेना, एंड दैट्स ऑल। ये पानी जब पेट में जाता है तो ये किडनी के नेफ्रॉन्स को शॉर्ट टर्म के लिए हाइपर एक्टिवेट कर देता है, और जब किडनी के नेफ्रॉन्स शॉर्ट टर्म के लिए हाइपर एक्टिवेट हो जाएंगे तो जितने किडनी के फंक्शंस हैं वो सब के सब इंप्रूव कर जाएंगे और आपको पता चलेंगे, और ये बहुत आसान और बहुत छोटा सा इलाज है। रिपीट कर रहा हूं, शुरुआत लिवर क्लीन से करिएगा। इनको बनाने का तरीका बता दूं एक बार आपको, यहां पे प्रोसीजर दिया हुआ है, मैं भुट्टे के बाल का बता देता हूं, बाकी भी सिमिलर है, कुछ भी फर्क नहीं, तीनों में से किसी एक को इस्तेमाल करना है। भुट्टे के बाल लिए, इनको पानी में जस्ट एनफ टू फिल द वेसल, बर्तन में जितने भर के डूब जाए और एक इंच पानी उससे रह जाए, बाल 50 ग्राम से ज्यादा लीजिएगा, और इसको लेने के बाद इसको उबाल लीजिए, 15-20 मिनट तक उबालिए, उबालने के बाद पानी अलग कर लीजिए, भुट्टे के बाल में सादा पानी फिर मिलाइए। हम जो बाल यूज करते हैं वो पके हुए भुट्टे, जो खेत के पके हुए भुट्टे हैं उनको लेके आते हैं, उनके बाल लेके आते हैं, उसमें मेडिसिन 4-5-6 बार तक निकलती है, बहुत पावरफुल होता है वो, और उसको पीने के बाद बस मजा आ जाता है। आगे चलते हैं हम, ये आगे पत्थरियां दिखाई दे रही हैं, ये गल जाती है, किडनी और यूरेटर में होने वाली पत्थरियां गल जाती हैं, गल के निकल जाती हैं। और क्या फर्क आता है ये देखिएगा, इसके आगे मैंने दिया है कि क्या फर्क आता है, किडनी की पत्थरियां गल जाती हैं, फेस में फ्रेशनेस आती है, स्किन फेयरर हो जाती है, स्किन में फर्क आता है, स्पॉट्स कई बार क्लियर हो जाते हैं, आंखों के नीचे की झाइयां क्लियर हो जाती है, एनर्जी लेवल इंप्रूव कर जाता है, एक्टिविटी लेवल इंप्रूव कर जाता है, हीमोग्लोबिन लेवल इंप्रूव कर जाता है, कैल्शियम लेवल इंप्रूव कर जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी आपने सुना है आपके घर में खुद को, रिश्तेदार को या मित्रों में कहीं भी किसी को कैल्शियम की प्रॉब्लम हुई होती है, अक्सर लेडीज में होती है 35-40 प्लस के केस में, क्या करते हैं, शेलकॉर्न विटामिन डी। कितने केस में ऐसा हुआ है कि 6 महीने तक सारे कंट्रोल्स करने के बाद, कैल्शियम रिच फूड लेने के बाद, डॉक्टर ने कह दिया हो कि अब आपको शेलकॉर्न लेने की जरूरत नहीं है, आप जाइए, आप क्योर हो चुके। ऐसा कभी नहीं होता। इसका मतलब यह है कि ये सारी दवाइयां प्रोसीजर्स शॉर्ट टर्म फॉलो कर रहे हैं रिलीफ मेजर का। मेरी गारंटी है 30 डेज में कैल्शियम लेवल नॉर्मल हो जाता है। गलती कहां पे थी, छोटी सी गलती, नेचर ने तो कभी कहा ही नहीं था कि शेलकॉल जैसी टैबलेट जिसकी शेल्फ लाइफ 3 साल की हो उसको लेना है। नेचर के हिसाब से तो बिल्कुल क्लियर था, खेत में चलते जाइए जो मिलता है उसको खाते जाइए, ताजा, फ्रिज के लिए भी नहीं कहा था। किडनी के पुअर फंक्शनिंग के चक्कर में, किडनी की एफिशिएंसी वीक होने के चक्कर में, किडनी का जो एक फंक्शन था विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन और कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन, ये फंक्शन कमजोर हो गया। जब ये फंक्शन कमजोर हो गया, आप सोचिए जब एब्जॉर्प्शन कमजोर हुआ है तो सप्लीमेंट्स वर्क कैसे करेंगे। एब्जॉर्प्शन इंप्रूव कर दीजिए, सप्लीमेंट्स की जरूरत ही नहीं है, जो नॉर्मल घर का खाना है उसमें ही कैल्शियम पर्याप्त मिलने लग जाएगा, दिक्कत किस बात। Anyway, रिपीट कर रहा हूं, कैल्शियम 30 डेज में नॉर्मल हो जाता है, शुरुआत लिवर क्लीन से करनी होगी। इस तरह के हाँ, पीएमएस में बहुत फर्क पड़ता है लेडीज को, बेड वेटिंग प्रोस्टेट प्रॉब्लम में अच्छा फर्क पड़ता है। किडनी क्लीन से हम आगे चल रहे हैं, अब हम अगले आ रहे हैं एसिडिटी क्लीन पे, और
इस तरह से हम 5-6 क्लीन्स के बारे में चर्चा करेंगे, किडनी में हमें थोड़ी ज्यादा करनी थी आगे। एनीवे अब हमारे एसिडिक लीफ पे, ये जो फोटोग्राफ दिखा रही है कहीं दिल को छूती हुई लग रही है, क्योंकि एसिडिक जैसी प्रॉब्लम वक्त के साथ बहुत तेजी से बढ़ती चली जा रही, एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम वक्त के साथ बहुत तेजी से बढ़ती चली जा रही है। 50 साल पहले ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी बीमारियां काफी ग्रोथ पे थी, पिछले 25 साल में एसिडिटी ने जो घर जमाया है, और आप सब जानते हैं कि ये प्रोग्रेसिव ग्रोथ ले रही है, मतलब हर साल इससे त्रस्त लोगों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। क्यों? पीएच लेवल समझिए, पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच का मतलब हुआ 7 नॉर्मल होता है वाटर का, 7 के ऊपर अल्कलाइन है, 7 के नीचे एसिडिक। 7 पीएच नॉर्मल होता है, 7 के ऊपर अल्कलाइन है, 7 के नीचे एसिडिक है। जंगल की हवा अल्कलाइन होती है, जंगल का पानी अल्कलाइन होता है, और सारी हरी सब्जियां जिसको जंगल में नेचर ने आदमी के लिए प्लान किया था, सब अल्कलाइन होती हैं और सब ऑर्गेनिक होती है। हम जहां रहते हैं, पॉल्यूशन, पानी क्लोरीन से साफ हो जाता है, इंडस्ट्रीज, कार्बन डाइऑक्साइड, व्हीकल्स, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब हवा की क्वालिटी को खराब करती हैं और एसिडिक करती हैं। क्लोरीन से साफ किया हुआ पानी शरीर कितने दिन तक बर्दाश्त करेगा? 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, कभी ना कभी तो असर करेगा। आगे देखिए, करीब करीब सारा पका खाना, सारा नॉन वेजिटेरियन फूड, सारे सॉफ्ट ड्रिंक्स, सारे हार्ड ड्रिंक्स, पिज्जा, बर्गर, समोसा, कचौड़ी, सब कुछ एसिडिक है, पूरी तरह से एसिडिक है। अल्कलाइन सिर्फ ग्रीन जूसेस है, ग्रीन जूसेस जिसके बारे में मैं चर्चा करने अभी आ रहा हूं, ये एसिडिटी को ठीक कैसे करते हैं। बाय द वे, मेरे बारे में बताया गया कि मेरे खाने पीने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और मेरी लाइफ का पर्पस ये है कि मैं, मेरा जीवन ही भोजन को समर्पित है। 5000 कैलोरी खाना, 9 घंटे सोना, मुझे इसमें खुशी मिलती है, और मैं कोई भी मेडिसिन नहीं लेता, उम्र के बारे में बता दिया गया है। एसिडिटी के चमत्कार और देखिए आगे, नेचर ने कहा 80% खाना अल्कलाइन होना चाहिए, 20% एसिडिक होना चाहिए, हमारा खाना तो 20% भी मुश्किल से अल्कलाइन हो रहा है, और समस्या यह है कि कोई और तरीका भी, लेकिन है तरीका इस तरह। उसके पहले एक चर्चा और, ब्लड का पीएच 7.4 के करीब होता है, ब्लड का पीएच 7.4 होता है, स्पाइनल कॉर्ड के फ्लूइड का पीएच 7.4 होता है, और normally born baby without medication in the previous 9 months, उसका saliva भी 7.4 pH का होता है। सारी medicines acidic होती है। Blood का pH जब इतने acidic माहौल में कम होने लगता है, तो blood के पास दो choice होती है। पहली चॉइस है कि लाइफ खत्म कर दे, लेकिन ब्लड का असाइनमेंट है लाइफ को प्रोटेक्ट करना, ब्लड लाइफ खत्म नहीं करता, ब्लड का असाइनमेंट है लाइफ को प्रोटेक्ट करना। ब्लड का पीएच 7.4 से डाउन हो जाएगा तो डेथ हो जाएगी। ब्लड अपना पीएच मेंटेन करने के लिए बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन से अल्कलाइन ड्रॉ करता, और ये अल्कलाइंस कैल्शियम, जिंक, फास्फोरस, मैग्नीशियम,
जो भी आप सोच सकते हैं जिसकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, वो सब आपकी हड्डी और मसल्स से आते हैं। और यही कारण है कि एसिडिटी बढ़ने के साथ साथ हम लोगों के शरीर अब थकने लग गए हैं, और यही कारण है कि जोड़ों के दर्द भी बढ़ गए हैं और मांसपेशियां थक गई हैं, क्योंकि उनके अंदर के अल्कलाइंस तो ब्लड ने खींच लिए थे, क्योंकि ब्लड का असाइनमेंट था कि लाइफ को प्रोटेक्ट करना है। मेरे ख्याल से एसिडिटी के बारे में इतनी चर्चा से आपको गहराई से लग गया होगा कि कितनी इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे आ रहे हैं, ये सिम्टम्स हैं, ये आप परिचित हैं इससे, हार्ट बर्न, डिस्पेप्सिया, बर्पिंग, कफ, वॉमिटिंग, आप जानते हैं इसके बारे में। आगे चलते हैं, इलाज क्या है? इलाज बहुत आसान है, हरी सब्जियों का जूस अगर मैं आपसे कहूं लेने के लिए, ये एक गिलास में भर के दिखाया गया है। मैं 15 दिन में एक बार 6-7-8 लीटर जूस बनाता हूं और 3-4 दिन तक उसको पीता हूं, वो प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। मेरी तरफ से सबसे पहला प्रयास ये है कि आप ये कन्विक्शन लें कि अपना इलाज अपने हाथ कितना सिंपल है। मैं कहूंगा कि 200 ml जूस, जो गिलास सामने दिखाया गया, ये दिन में 3 बार 1 हफ्ते तक ले लें, आप देखेंगे बीमारियां कितनी तेजी से ठीक होती चली जा रही हैं, और जो आर्गुमेंट्स मैंने दिए थे वो कितना सटीक बैठते। जूस बनाना कैसे है ये भी इंपॉर्टेंट। जूसर चाहिए होता है, एक जूसर लेना होता है, जूसर 6-7-8-10 हजार का होता है। सब्जियों की क्वांटिटी भी ज्यादा चाहिए होती है, क्योंकि 70-80 किलो के वजन के शरीर को हमको ज्यादा जूस देना होता है। एनीवे, आप अपने हिसाब से बनाएंगे जूसर यूज करके। मैं सिर्फ इतना बता दूं कि एसिडिटी क्लींस, जिसको मैं कहता हूं हरे जूस, वेजिटेबल जूस, ग्रीन जूस के करने की बात, क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन में जो लक्षण मिलते हैं, जहां पे क्लोरोफिल में मैग्नीशियम है, वहीं पे हीमोग्लोबिन में क्लोरीन और फेरस है, और क्लोरोफिल हमारे शरीर में जाके ब्लड ट्रांसफ्यूजन का काम करता है, और ये उसी तरीके से होता है जैसे नेचर ने चाहा था, और बड़ा जबरदस्त असर होता है जब आप ग्रीन जूस लगातार लेते हैं ना, एसिड्स कम होते चले जाते हैं, हीमोग्लोबिन लेवल इन जनरल तेजी से बढ़ता चला जाता है। कैसे बनाना है, किन सब्जियों का बनाना है, ये लिस्ट आप सामने देख रहे हैं, पुदीना, पार्सली, शलगम, बीटरूट, कैबेज, कैप्सिकम, कुकुम्बर, गार्लिक, जिंजर, जो चीज यूज करें। एक छोटा सा नियम बस, ताजी सब्जियां लें, नेचर ने बासी सब्जियों और 2 दिन के बाद की सब्जियों का प्रोविजन नहीं किया था, सिर्फ ताजी सब्जियां, इसके अलावा कुछ भी ना सोचे, रिजल्ट आ जाएंगे और बहुत जल्दी आएंगे। इसके बारे में बाकी चर्चा में प्रश्न उत्तर काल में करूंगा। ये है हमारा पैरासाइट क्लींस। ये पैरासाइट शरीर में बहुत ज्यादा होते हैं, मच मोर देन यू कैन इवन थिंक ऑफ, खासे होते हैं। छोटा बच्चा, न्यूली बॉर्न बेबी विदाउट मेडिसिन, उसके सलाइवा में, उसके यूरिन में और उसके पसीने में कोई भी स्मेल नहीं, जीरो ऑर्डर के साथ बर्थ होती है अगर 9 मंथ में मेडिसिन नहीं दी गई है तो, और नॉर्मल डिलीवरी है तो। 3 से 6 महीने के बीच में जब उसको सप्लीमेंट्स दिए जाते, नीड बेस्ड या कुक्ड फूड, खीर, कुछ भी, वहां से उसकी बॉडी में स्मेल चालू होती है, क्योंकि नेचर ने कुक फूड के लिए बोला ही, और ये स्मेल उसके बाद यूरिन, पसीना और सलाइवा, ये स्मेल उसके बाद कभी जाती नहीं, कम ज्यादा होती रहती है। इसका कारण होता है बैक्टीरिया। अपने सलाइवा को जरा सा कलाई पे लगाइए ऐसे,
आप महसूस करेंगे, उसके बाद इसको स्मेल करके देखिएगा, ये स्मेल बैक्टीरिया पैरासाइट की है, हमारे शरीर में बहुत है, इनके बहुत सारे लक्षण हैं, इनके बारे में मुझे बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करनी है। नॉर्मली पैरासाइट क्लींस के बारे में चर्चा करने में अनंतता बात आई, जब लोग लिवर क्लींस कर चुके, फिर भी मेरा वीडियो देख लीजिएगा, इसमें ये हम क्लार्किया टिंचर यूज करते हैं, जैपर यूज करते हैं, पल्सर यूज करते हैं, कोलाइडर सिल्वर यूज करते हैं। बेसिक कंसेप्ट ये है, क्लार्किया एक लिक्विड है, जैपर और पल्सर बॉडी को माइल्ड करंट देते हैं और उस करंट से कीड़े मर जाते हैं और ये बहुत इफेक्टिव है। ये मैंने पैरासाइट क्लींस के वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके बाद मैं थोड़ी सी फोटोग्राफ आपको दिखा रहा हूँ, ये एक क्लार्किया टिंचर की फोटोग्राफ है, हाँ ये जो दिखाई दे रही है। इसके बाद ये जैपर की फोटोग्राफ है और इसके बाद ये कोलाइडर सिल्वर की फोटोग्राफ है और ये मैंने कुछ फीचर्स दिए हुए हैं, ये कैसे फायदा करता है, रियली वंडरफुल, बहुत बढ़िया इफेक्ट है इसका। अब हम आ रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्लींस पे, लिवर क्लींस पे। मेरी पहली गारंटी थी 90% ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम्स कैन बी क्योर्ड 100% घर बैठे, लिवर क्लींस से शुरुआत कीजिएगा। लिवर क्लींस से जुड़ी हुई मेरी दूसरी गारंटी है कि एक लिवर क्लींस करने के बाद 6 महीने तक हार्ट अटैक नहीं हो सकता और ध्यान रहे खाने पीने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। मैं मैथमेटिकली प्रूव करने जा रहा हूं इसको। लिवर बॉडी का सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन, वेट के हिसाब से स्किन 2 किलो की होती है और लिवर 1.5 किलो। बस लिवर के फंक्शन बहुत सारे हैं, लिवर बॉडी की केमिकल फैक्ट्री, बाइल बनता है इसमें जो डाइजेशन में मदद करता है, तमाम हार्मफुल ड्रग्स को, तमाम कचरे को, जहर को बाहर से बाहर निकालता है, डाइजेशन का काम करता है। हमारी ये थेरेपी उनके लिए रामबाण है जिनको किडनी में स्टोन है या गॉल ब्लैडर में स्टोन। किडनी के स्टोन के लिए किडनी क्लींस, गॉल ब्लैडर लिवर स्टोन के लिए लिवर क्लींस। 16 घंटे के इस प्रयास में लिवर क्लींस के साथ गॉल ब्लैडर के स्टोन्स निकल जाते, मैं कहता हूं पूरे ना भी निकले, थोड़े भी निकल गए ना, आप खतरे से बाहर हो गए। क्योंकि थोड़े भी अगर स्टोन्स निकल गए तो अब खतरा इसलिए तब तक नहीं है जब तक उतने स्टोन्स वापस नहीं बन जाते, और यकीन मानिए लिवर के में गॉल ब्लैडर में स्टोन्स इतनी जल्दी नहीं बनते। तो एक बार करने के बाद आप खतरे के बाहर हो जाते हैं और तमाम फायदे, कहा गया साइड इफेक्ट कोई नहीं, पंकज वर्मा जी ने कहा साइड इफेक्ट कोई नहीं, मैं कहता हूं साइड इफेक्ट है, एडवर्स साइड इफेक्ट नहीं है, फेवरेबल साइड इफेक्ट इतने ज्यादा हैं कि आप सोचेंगे एक ठीक चीज ठीक होगी और पता नहीं क्या क्या ठीक हो जाता है। तो सोचे नहीं, लिवर क्लींस को जल्दी से जल्दी करने का फैसला करें और करें इसको। डाइजेशन में कितना जबरदस्त इंप्रूवमेंट होता है, एलर्जीज तो तुरंत ही खत्म होने लग जाती है। पहले लिवर क्लीन में 25-30% एलर्जी खत्म हो जाती है और एलर्जी के लिए कहीं कोई इलाज नहीं, मुझे पता नहीं कितनी चीजों से एलर्जी थी, अब सब इतिहास हो चुका है। कई समस्याएं मुझे भी हेल्थ की रही लेकिन बस कहीं से ये मान के चला था कि ये समस्याएं परमानेंट नहीं है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर होगा। लिवर क्लींस के लिए रिकमेंडेशन ये है कि शुरू में 2-2 हफ्ते पे तब तक करें जब तक स्टोन्स निकलते रहें और बाद में 6 महीने पे एक बार मेंटेनेंस डोज के लिए। मेंटेनेंस डोज इसलिए जरूरी होती है क्योंकि आप फिर भी उसी पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, टू कंपनसेट फॉर ऑल दोज हमको एक डोज की जरूरत होती है। स्क्रीन पे आपको दिखाया जा रहा है, एक ऑलिव ऑयल है, बगल में एप्सम सॉल्ट है, ये इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे। एप्सम सॉल्ट 20 ग्राम के 4 सैशे लगते हैं और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल 250 ml की एक बॉटल लगती है। इसके पहले वाली स्लाइड दिखाइएगा, इसके पहले वाली स्लाइड, हाँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये हार्ट दिखाया गया है, इसके बगल में कोरोनरी आर्टरी दिखाई गई है, ये डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन है। पहली आर्टरी में दिखाया गया है कि कितने सारे ब्लॉकेजेस, दूसरी आर्टरी में क्लियर हो गए।
हमारे आर्टरीज और वेंस की लंबाई चाहे जितनी हो, मुझे पता नहीं शायद मीलों में हो क्योंकि इतनी पतली पतली सब फैली हुई, किसमें कहां क्या जमावड़ा हुआ है ये तो हमें पता भी नहीं चलता। हम अलर्ट तब होते हैं जब हमको दिल में धड़कन रुकती है और हमको लगता है कि अब कुछ हुआ, तब हम जाते हैं एंजियोग्राफी कराते हैं, पता चलता है 80% ब्लॉकेज जो आपको यहां दिखाए गए, ये ब्लॉकेज एक दिन में नहीं हो जाता, में खासा समय लगता है। ये ब्लॉकेज वहां पे पहुंचा है किसने और आप इलाज क्या कराएंगे, स्टेंट लाएंगे, बाईपास कराएंगे, कितने बंधन अपनी जिंदगी में लेंगे। और कोई एक अकेली आर्टरी नहीं है, इसके साथ भी चार और हैं। कोरोनरी तो एक आर्टरी है, उसके अगल बगल शरीर के अंग अंगों में, ब्रेन में भी ब्रेन ब्लड सप्लाई होता है, लंग्स में भी सप्लाई, कहां कहां ब्लॉकेज देखेंगे। और ये ब्लॉकेज क्रिएट किसने किया है, ये ब्लॉकेज तो आपके ब्लड ने क्रिएट किया है। ब्लड ने कैसे क्रिएट किया, क्योंकि आपके खाने पीने में कुक फूड पोल्यूशन, वही नियम सोचिएगा, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो गया, अब शरीर में कोलेस्ट्रॉल को रखने की जगह नहीं रही, लिवर और किडनी की फंक्शनिंग अन्य अंगों के साथ साथ कमजोर हो गई, अब उसको रखने की जगह नहीं थी, तो आर्टरी वेंस में जमा होता चला गया। और जब जमा होता चला गया तो तमाम दिक्कतें आती गई, जैसे कि ब्लड प्रेशर एंड ब्लॉकेजेस, रिस्क खतरा, डॉक्टर आपसे कहेंगे घर तक नहीं जा सकते इस ब्लॉकेज के चलते, मैं कहूंगा एक बार घर आके लिवर क्लीन करके जाइए, फिर कहते हैं कुछ नहीं होगा, निश्चिंत रहिए कुछ भी नहीं होगा। दूसरे डायग्राम में मैंने दिखाया है कि लिवर क्लीन में जब एलडीएल कोलेस्ट्रॉल निकल जाता है लिवर से, गॉल ब्लैडर से, बाइल डक्ट से, तब ब्लड उसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ब्लड की ये प्रॉपर्टी है, ब्लड उसको बैलेंस करने के लिए जगह जगह से खींच के लाता है। और ये नेचुरल ट्रीटमेंट है कि कॉस्ट बहुत कम है। आगे आते हैं, ये दिखाया गया है एप्सम सॉल्ट, ये मैंने तरीका बताया, इसके आगे स्लाइड पे ये मैंने तरीका बताया है कि 2 बजे के बाद कुछ नहीं खाना है, 6 बजे एप्सम सॉल्ट की पहली डोसेज लेनी है, 8 बजे दूसरी डोसेज लेनी है, 10 बजे ऑयल के साथ जूस लेना है, सुबह 6 बजे फिर तीसरी डोसेज एप्सम सॉल्ट की, 8 बजे फिर 75 ml जूस। ये सारी इंफॉर्मेशन मेरी वेबसाइट पे वीडियो पे है। 10 बजे फिर एप्सम सॉल्ट, रात को खाना नहीं खाना है, डोसेज थोड़ी बहुत कम ज्यादा कर सकते हैं। अगले दिन जो डायरिया में निकलेगा आप देख के हैरान रह जाएंगे, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के ये फिसलने वाले स्टोन्स, सिर्फ सोच के देखिए कि शरीर से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल अगर फिजिकल फॉर्म में निकल जाता है तो क्या होगा। जब फिजिकल फॉर्म में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल निकल जाता है तो जितनी परेशानियां उसकी आ रही हैं वो सब ठीक हो जाएंगी, गॉलब्लैडर के लिए आपको सर्जरी कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एनर्जी लेवल इंप्रूव कर जाएगा, डाइजेशन इंप्रूव कर जाएगा, एलर्जीज खत्म होने लग जाएंगी, अच्छा लगने लगेगा। इसके आगे हमारा ज्वाइंट पेन है, मेरे मेन क्लींस ये खत्म हुए, कंसेप्ट खत्म हुआ, अब हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, हम क्वेश्चन आंसर पे ज्यादा जोर देंगे और कुछ बार स्लाइड हटा के मुझे डायरेक्टली ऑडियंस को देख लेने दीजिए, एक दो बार स्लाइड हटा के डायरेक्ट, हाँ हाँ थैंक यू। ये ज्वाइंट की क्लींस की बात कर रहा हूं मैं, वही नियम ज्वाइंट पे भी लागू होता है, हमारे ज्वाइंट के बीच में टॉक्सिंस आ गए। क्या टॉक्सिंस है मुझे इस चर्चा से मतलब नहीं, हालांकि मैंने वीडियो में बताया है कि जो टॉक्सिंस जॉइंट के बीच में होते हैं उनका कंपोजिशन सिमिलर टू एग शेल है, अंडे के छिलके जैसा कंपोजिशन होता है इनका, और ये बड़ी आसानी से निकल जाता है। ये 45 डेज का ट्रीटमेंट है, इसमें मैंने गारंटी ली है कि 45 डेज के ट्रीटमेंट में किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द आधा रह जाएगा, और आप समझ सकते हैं कितना बड़ा क्लेम है। आगे स्लाइड पे आ जाइए, हाँ हाँ ये मैंने आज स्लाइड दिखाइएगा, ओके ये मैंने पेन के एग्जांपल्स दिए हैं, और आगे दिखाइएगा, और आगे चलिए,
हाँ, ये मैंने तीन चीजें दिखाई हैं, बस इसके साथ ही ज्वाइंट चर्चा खत्म हो जाएगी। ये मोलेसिस है, ये शहद है, और एप्पल साइडर विनेगर मेन मेडिसिन है। एप्पल साइडर विनेगर जब बॉडी में सेचुरेशन लेवल पे आ जाता है तो ये हड्डियों के अंदर का बीच का जो ज्वाइंट्स के बीच का टॉक्सिन्स है उसको डिजोल्व करके यूरिन के रास्ते बाहर निकालता है। बस इसके बाद इससे ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। ज्वाइंट क्लींस के बारे में इतना और कि ये ज्वाइंट क्लींस लिवर क्लींस के बाद करें। अब हम आ रहे हैं फैट क्लींस के बारे में। ये हमारा फैट क्लींस एक HCG प्रोटोकॉल है जो एक महीने का प्रोग्राम है। इसको हम तब रिकमेंड करते हैं किसी को मैरिज के लिए या फिल्मों में काम करने के लिए या जॉब के लिए जरूरत हो, क्योंकि वेट तो 6-7 किलो कम होता है इसमें एबनॉर्मल फैट का, लेकिन ये वेट फिर तब वापस आ जाता है अगर हम सीमा से ज्यादा खाना खाते हैं। तो इसके बारे में ज्यादा चर्चा की मुझे जरूरत नहीं है। इसके बाद मैं आ रहा हूं गायनिक क्लींस के साथ। अर्लियर लेडीज के साइकिल जो है इन सिंक्रोनाइजेशन विद मून हुआ करते थे। इन सिंक्रोनाइजेशन विद मून हुआ करते थे 28 डेज साइकिल। कुक्ड फूड पॉल्यूशन ने जो कुछ किया वो तो किया ही किया। एक घटना और हुई, टैबलेट टू पोस्टपोन पीरियड्स फॉर व्हाटसोएवर रीजन एंड कंट्रासेप्टिव पिल्स, इन्होंने पीरियड्स को हमेशा के लिए डिसबैलेंस कर दिया। और आपके परिवार वाले जानते हैं कि लेडीज प्रॉब्लम अब बढ़ती चली जा रही है। इन लेडीज प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हमारे यहाँ फातिमा ने अलग विंग बनाया हुआ है, डायरेक्ट भी आप कॉन्टेक्ट करेंगे उनको। सब हमारी सारी चर्चा जो आपके साथ शुरू होगी वो लिवर क्लींस के बाद शुरू होगी, क्योंकि हम चाहेंगे लिवर क्लींस का असर पहले आए तो बाकी चीजों का असर अपने आप जल्दी आता है। गायनिक क्लींस के बारे में छोटी सी चर्चा बस ये। ओवरी एंड PCOS क्लींस, इसमें हमने दालचीनी से बताया है कि कैसे सिंपल इलाज कर सकते हैं। दालचीनी को स्टील या प्लास्टिक के गिलास में रख देना होता है, उसमें पानी 3/4 भरना है, फ्रीजर में जमा देना है। 6-8 घंटे में जब पानी पूरा जम जाए तो उसको बाहर निकाल लेना है। बाहर निकलने के बाद पानी को फिर नॉर्मल टेम्परेचर पे आने के लिए रख देना है और इस पानी को पी लेना है दिन में 3 बार 4 दिन के लिए। इसी का एक इलाज और है, फिर एक लूनासेप्शन है। और ये सिनेमन दालचीनी को हम दूध का दही जमा के उस तरह से भी औषधि के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। एक हमारा यूट्रस क्लींस है। कल्पना कीजिए कि किसी भी कारण से ब्लीडिंग में 5 मिलीलीटर ब्लड अंदर रह गया यूट्रस में। नेचर की तरफ से कोई प्रोविजन नहीं है अगले 22 दिन तक उसको निकालने का, और सोचिए वो सड़ेगा तो क्या क्या हो सकता है। पैर में दर्द, मूड स्विंग्स, लोअर एब्डोमेन में पेन और पता नहीं क्या क्या। जवाब बड़ा आसान है, तरीका गेंदे के फूल से इसका इलाज है। गेंदे के फूल के सूखे उसको सुखा के उसके पीले वाले पोर्शन को और पानी में उबाल के ये प्रयोग कर लेना है। और दूसरा इलाज है गेंदे के पीले वाले टुकड़ों को कांच के मर्तबान में धूप में रख के उसका पानी पी लेना है। और तीसरा इलाज जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है वो कैस्टर ऑयल पैक है। पेट के ऊपर फलालिन के कपड़े को कैस्टर ऑयल में भिगो के उसके ऊपर पॉलिथीन रख के और उसके ऊपर हीटिंग पैड रख के बस तुरंत असर आता है इसका। इसके बाद मैंने फेलोपियन ट्यूब क्लींस बताया हुआ है। ये फेलोपियन ट्यूब क्लींस के लिए मसाज है, कुछ स्पेशल मसाज है, इसके बारे में वीडियो है जिनसे पता चलता है। मेरा 2 क्लेम बता चुका हूं आपको। 90% ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स कैन बी क्योर्ड 100% पहला क्लेम था। दूसरा क्लेम है एक लिवर क्लींस करने के बाद 6 महीने तक हार्ट अटैक नहीं हो सकता। और अब मेरा प्रेजेंटेशन समाप्त होने के साथ तीसरा क्लेम है, अगर कपल में कोई मेजर एबनॉर्मलिटी नहीं है पैथोलॉजी की रिपोर्ट के हिसाब से तो इनफर्टिलिटी के केसेस में 100 डेज में क्लीन से हम गारंटी लेते हैं कि
कि वो नॉर्मली कंसीव करेंगे और बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं। बस थैंक यू सो मच। नाउ आई ओपन इट टू क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, माइंड ब्लोइंग सेशन। आई थिंक कि हम सब लोग आपके बहुत आभारी हैं। मैंने भी जस्ट मुझे मजा आया सर। बिल्कुल सर, और हम अपने दर्शकों से चाहेंगे कि बिल्कुल आप लोग समय की सीमाएं हैं लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब अभी हमारे साथ में हैं। अब मैं कोई टॉप 5 क्वेश्चंस जरूर मैं लूंगा। आप लोगों को अपने क्वेश्चंस अपने मैसेज में टाइप करने हैं। जो लोग YouTube के ऊपर देख रहे हैं वो YouTube पर अपना क्वेश्चंस टाइप करें प्लीज, और मैं जिन्होंने हैंड रेज किए उनको सबसे पहले अनम्यूट करके कोई भी 5 क्वेश्चंस को लूंगा। सबसे पहले मैं ले लेता हूँ अवधेश शाह जी को। अवधेश शाह जी फटाफट अपना क्वेश्चन रखिएगा। और नमस्कार सर, मैं अवधेश दिल्ली से। जी भैया। सर मैं ये कह रहा था एक्चुअली सर, मेरे मामा जी हैं उनका दोनों किडनी खत्म है, डायलिसिस पे हैं, तो उनका क्या उपाय हो सकता है, कोई है सर इसके लिए? आपने अपना लिवर क्लींस किया है कि नहीं? सर मैंने तो अभी नहीं किया। मेरे तरफ से सख्त निर्देश है ये कि किसी और को इसके बारे में तब तक ना बताएं जब तक खुद ना कर ले, है ना। बाकी ये मैं बता दूं, डायलिसिस में बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज हैं, बहुत ज्यादा, और स्टोरीज इस तरह से हैं कि अगर हफ्ते में 3 बार करते हैं तो 2 बार हो जाती है। दूसरी बात, जनरल एनर्जी लेवल भी बढ़ जाता है, ठीक है। किडनी पेशेंट्स में 2 तरह की सिचुएशन होती है। पहली सिचुएशन ये है कि यूरिन बिल्कुल नहीं बन रही, उसमें तकरीबन फायदा नहीं होता है, ठीक है। दूसरी सिचुएशन है कि यूरिन बन रही है लेकिन सीरम क्रिएटिनिन उसमें ज्यादा आ रहा है, इसमें फायदा तुरंत हो जाता है। जिसमें यूरिन नहीं बन रही है उसमें भी लिवर क्लींस करने से यूरिन बनने भी लग सकती है, बेशक दिन में 20 ml बने, 25 ml बने। तो लिवर क्लींस बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले खुद करिए फिर अपने सुपरविजन में उनको भी कराइए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। एक सवाल आ रहा है जी, 1 मिनट। हाँ श्याम जी। सर जी, जय मां भारती और नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को दी। लेकिन एक छोटा सा मेरा सवाल है, और मेरा सवाल ये है कि ये होता कैसे है लीवर क्लीनिंग के लिए, मुझे वीडियो या इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी? सर यूट्यूब पे। दूसरा मेरा एक्चुअली अस्थमा एलर्जी को लेके, क्या इससे अस्थमा एलर्जी का भी क्या संभव है इस लिवर क्लीनिंग से? बिल्कुल तुरंत करिए लिवर क्लीन। सारी इन्फॉर्मेशन मेरी वेबसाइट पे है, मेरे वीडियो है www.thetempleofhealing.org, ये हमारी वेबसाइट है। सर यूट्यूब से एक सवाल है। हाँ जी। लंग्स क्लीनिंग के बारे में जैसा पूछे दोबारा पूछे। लंग्स क्लीनिंग के लिए थेरेपी कौन सा है? नरसिंह राव है, यूट्यूब से उन्होंने सवाल किया जी। हाँ कोई बात नहीं, जवाब देता हूँ मैं उनको। सबसे पहले ये बताइए कि आपने लिवर क्लीन किया है या नहीं किया है? सर वो यूट्यूब पे है, हम लोग उनको चेंज नहीं कर सकते जी। उनको जवाब दे दीजिए कि पहले लिवर क्लीन करें और उसके बाद लंग क्लीन के लिए हमने साइट पे दिया हुआ है चिकन ब्रेस्ट, छुआरा और वाटर क्रेस्ट, इनका सूप बना के पीना है। थैंक यू सो मच सर। और एक सवाल आ रहा है कि लीवर क्लीन सबसे पहले करना जैसा आपने बताया, उसके बाद कितने दिन के बाद में किडनी क्लीन कर सकते हैं, या दूसरी ट्रीटमेंट हम कितने दिन के बाद? क्या अगले दिन कर लेंगे? आज लिवर क्लीन शुरू किया, कल सुबह खत्म हो गया ये 11-12 बजे तक, उसके बाद आप अगले दिन परसों कर लीजिए उसको, फिर कोई बंधन नहीं है। सारी बंधन सारे इश्यूज लिवर क्लीन के साथ हैं, बाकी सारे क्लीन हमारे सिंपल हैं। माइंड ब्लोइंग सर। राकेश दिल्ली से जो है उनका सवाल लेता हूँ। राकेश जी अपना सवाल रखिए प्लीज। जी नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार भैया जी। सर इसी का रिलेटेड क्वेश्चन था, लंग्स से पहले जो है लीवर क्लींस करानी है, मदर को प्रॉब्लम है, और मैंने आज आपका सुना, बहुत अच्छा लगा सेशन। लेकिन मैं हालांकि
इसका पीपीटी मिल सकता है? मैं काफी लेट ज्वाइन हो पाया, यहाँ नेटवर्क नहीं था, तो जो आप दिखा रहे थे स्लाइड, इसका कोई पीपीटी भेज सकते हैं क्या? राकेश जी भेज देंगे आपको, आप जिस ग्रुप पे है, श्रवण कुमार का नाम सुना है आपने? जी जी, श्रवण कुमार जब माता पिता को पिकनिक एलटीसी पे लेके गए थे ना, तो सारा रास्ता पहले खुद देख के आए थे, तो माता जी को बताने के पहले खुद अपना लिवर क्लीन करें तब उनको बताएं। हाँ वो तो मैं पहले खुद करूंगा, जैसे आप पहले खुद करें, ये बहुत सख्ती से इसका पालन करेंगे। रेणु कर्णवाल जी आप म्यूट करिए प्लीज, अपना सवाल रखें। रेणु कर्णवाल जी कैमरा ऑन करके आप लोग सवाल पूछे बेहतर होगा। हेलो सर, नमस्कार, जय मां भारती। बोलिए मैडम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी मदर की एज 50 साल है, अभी 6 महीने से उनको दोनों लेग्स में नसें ब्लॉकेज की प्रॉब्लम चल रही है। जितने भी ट्रीटमेंट करते हैं ना, जब तक वो ट्रीटमेंट रहता है तब तक असर करता है, जब वो छोड़ देते हैं तो वापस से उनकी नसें प्रॉब्लम करती हैं। अगर 3-4 घंटे उन्होंने रेगुलर काम कर लिया जी, तो उनको हमेशा पेन ही रहता है। तो अगर आप चाहती हैं कि वो ठीक हो जाएं, तो पहले अपना लिवर क्लींस करें फिर उनका करें, वो पक्का ठीक हो जाएंगे। थैंक यू सर। रेणु जी का सवाल में सर एक चीज पूछनी थी कि क्या लीवर क्लीन से इनकी जो नसों की ब्लॉकेज है वो उस पे असर पड़ेगा सर? अच्छा खासा असर पड़ेगा। क्या बात है, अच्छा खासा, ये हैरान रह जाएंगे। रेणु जी आप स्टार्ट कर दीजिए, और आई थिंक कि हम सब लोगों को ये जवाब माइंड ब्लोइंग जवाब मिल रहे हैं। अनिल जी के पास चलते हैं। अनिल जी अपना कैमरा ऑन करके अपना सवाल रखिए प्लीज फटाफट। जय मां भारती सर। जी जय मां भारती, सवाल रखिए अपना फटाफट। सर मेरे को ये पूछना है कि मेरे दादाजी के नाम पेट में कब्जी रहती है, तो उसका कोई उपाय? पहले आप लिवर क्लीन करेंगे फिर वो करेंगे। सर एक ही जवाब है सब लोगों के सामने, डॉक्टर साहब का, और डॉक्टर साहब को पता है कि हम सब लोगों ने अभी नहीं किया है, तो आप सब लोगों को सबसे पहला तो उपाय ये है कि अगले और एक खुशखबरी भी दे दूं आप सब लोगों को कि अगले गुरुवार को या फिर शुक्रवार को मैं डॉक्टर साहब से फिर से पुनः हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, अगर वो हमारे समय एक बार और निकाल सकें तो बहुत अच्छा होगा सर हम लोगों के लिए। और हम लोग एक बार दोबारा डॉक्टर साहब चाहते हैं, तो एक बार आप लोग मैसेज करके जरूर टाइप करके बताएं कि आप लोगों की इच्छा है दोबारा डॉक्टर साहब को बुलाया जाए। आपकी जोश और जो आपका है जज्बा को देख के डॉक्टर साहब दोबारा हमें हाँ कर सकते हैं, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है। तब तक अगले हफ्ते तक हम सब लोग अपना एटलीस्ट लीवर और किडनी, ये बस लीवर नहीं एक लीवर ही काफी है। अच्छा केवल लीवर काफी, ओके वेरी गुड। तो लीवर क्लीन करके सब लोग आए और अगले हफ्ते डॉक्टर साहब से मिले। मैं अभी सेशन को समाप्ति के लिए डॉक्टर जगदीश पारिक जी को इनवाइट करना चाहता हूँ। डॉक्टर जगदीश पारिक जी हमारे संस्था के संस्थापक, इनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। डॉक्टर जगदीश पारिक जी अगली आवाज, थैंक यू सो मच। और थैंक यू राव साहब, और आज हमारे जो गेस्ट हैं पीयूष जी सक्सेना, और आप कॉर्पोरेट जगत की बहुत बड़ी हस्ती होने के बावजूद जो बातें आज हमने उनसे सुनी है ये वाकई एक इंस्पिरेशन है हमारे लिए। और डॉक्टर साहब आपकी आवाज में वो वाइब्रेशन बहुत ज्यादा है, हो सके तो सर वो निकाल दीजिए। अच्छा सॉरी टू डिस्टर्ब यू। मैं सबसे पहले पैनल पे जो भी उपस्थित नेशनल कमेटी और स्टेट वर्किंग कमेटी और हमारे जो सीनियर सदस्य हैं, आप सभी को हेल्प इंडिया परिवार में आपका स्वागत करूंगा। और आज के सेशन का मैं राव साहब पंकज जी ने बहुत बढ़िया से साथ दिया, और डॉक्टर साहब के लिए और इस पूरे सेशन के लिए इसको सम अप करना आसान नहीं है चंद शब्दों में, क्योंकि इतनी ग्रेट पर्सनैलिटी, ग्रेट शख्सियत, कॉर्पोरेट जगत का इतना बड़ा नाम और इतने बड़े घराने में आप सीनियर पोस्ट पे हैं, लेकिन आज जो आपने बताया इतनी बेबाकी से, मतलब मेरे ख्याल से मतलब एक पूरा अपना अगर पैशन कर पाता तो इतना सब मैनेज कैसे करते हैं वो भी एक दिन सर से समझेंगे ये इन सब के अलावा। लेकिन अभी जो सर ने बताया मैं उनको थोड़े शब्दों में पूरे पैनल को समझाना चाह रहा हूँ। पहली चीज जो सर के पूरे सेशन में थी वो थी निस्वार्थ सेवा की सबसे बड़ी मिसाल। सर अपने आप में निस्वार्थ सेवा की बहुत बड़ी मिसाल है, और इतना
सिंपल शब्दों में इन्होंने समझाया, जिसमें उन्होंने एग्जांपल लिया एक मैकेनिक का, गाड़ी जिस तरीके से 5 साल बाद उसका डाउन हो जाता है, वैसे ही इन्होंने समझाया कि एनर्जी लेवल जो है बॉडी का वो एवरी डे डिक्रीज होता है। इवन सुबह और रात को सोते टाइम की एनर्जी में भी फर्क आ जाता है पूरे दिन काम करने के बाद। तो जो मदर नेचर है और हमारी जिंदगी है, वो मदर नेचर से जितना 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 डिस्टेंस पे जाती है, जैसे उन्होंने वाइल्ड लाइफ का जंगल का एग्जांपल देके समझाया, बहुत जबरदस्त लगा और सबको इतना जल्दी समझ में आया क्योंकि रिलेट इतना बढ़िया किया सर ने। सर ने ये भी बताया कि 28 प्रकार की क्लींजिंग थेरेपी वो डेवलप 100% क्योर आप घर पे सिंपल साधनों का प्रयोग करके कर सकते हैं, ये कितनी बड़ी बात है। सर ने ये भी बताया कि क्योर और रिलीफ में कितना बड़ा डिफरेंस है और पूरी दुनिया रिलीफ के पैटर्न पे चल चुकी है, एलोपैथी रिलीफ पैटर्न पे चलती है, कोई बड़ी खोज अभी तक दर्द को ठीक करने के अलावा नहीं है। तो हम ये जो नेग्लिजिबल कॉस्ट में, चाहे किडनी क्लींजिंग हो चाहे लीवर क्लींजिंग हो, और लीवर के बारे में सर इसलिए बोल रहे हैं, जितना मैं एक विज्ञान का स्टूडेंट हूँ और मैंने समझा है कि लीवर केमिकल की फैक्ट्री है और हमारे ब्रेन का जो सबसे पावरफुल डोज होता है पूरे बॉडी को, वो केमिकली रिएक्ट करता है। मतलब ब्रेन इतना जल्दी रिएक्ट इसलिए कर पाता है बॉडी पे क्योंकि वो केमिकल स्ट्रक्चर को चेंज करता है। दूसरा होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर और तीसरा होता है दैट द स्ट्रक्चरल चेंज इन सेल्स। तो सबसे जल्दी जो शरीर में असर करता है वो करता है केमिकली चेंज जो होते हैं हमारे बॉडी में। तो इस केमिकल फैक्ट्री को ही अगर ठीक कर लिया जाए तो सारे जो डिसऑर्डर है, जो ग्लैंड्स में डिसफंक्शनल हुए हैं, और प्रिवेंटिव हेल्थ में हमने ये बहुत बढ़िया, सर ने एक ही सेशन में पूरे प्रिवेंटिव हेल्थ सेशन को समराइज किया है कि माइंड एंड बॉडी का जो एनर्जी का अलाइनमेंट है वो अगर ठीक है तो आप हेल्दी हैं, ना कि आप बीमारियों से लड़ रहे हैं तब आप हेल्दी हैं। तो बहुत बहुत जबरदस्त सेशन, पीयूष सर को पूरे हेल्प इंडिया परिवार की तरफ से बहुत ही धन्यवाद, और मैं सर शब्दों में बयान नहीं कर सकता हमारे धन्यवाद को, मेरे सारे दोस्त यूट्यूब पे और पूरा परिवार पूरा इंडिया में। और ये ट्रेनिंग जो है पंकज जी आपको और डिटेल में बताएंगे, 20 से ज्यादा कंट्री में देख रहे हैं, अभी भी यूके से हमारे कई फ्रेंड्स हैं, यूएस से हैं और डिफरेंट कंट्रीज से हैं, वो आप इस सेशन को सुन रहे हैं। सर के पूरे सेशन को मैं अगर लाइनों में बयां करूं कि शॉर्टकट में सर पूरा सेशन समझा दीजिए, तो इतना ही बोलूंगा कि तीन चीज जिंदगी में है दोस्त, योर हेल्थ, योर मिशन एंड द पीपल यू लव यू। जिन लोगों से आप प्यार करते हैं, आपका शरीर, आपका मिशन और आप जिनसे प्यार करते हैं, बस यही आपकी जिंदगी है। और दूसरी बात जो मुझे समझ में आई शॉर्टकट में, दैट इज लाइफ कैन ओनली अंडरस्टूड बैकवर्ड्स। जिंदगी को समझना है तो थोड़ा पीछे चलिए, थोड़ा स्पीड स्लो करिए, और लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जिंदगी को जीना आगे है, बट मस्ट बी लिव्ड फॉरवर्ड। मतलब जिंदगी को हमें जीना आगे है, समझना पीछे से है। तो अगर पीयूष सर जैसी पर्सनालिटी पैनल पे हो और इस तरीके का प्रेजेंटेशन हो, निश्चित रूप से हेल्थ का पैडोग्राम शिफ्ट आएगा लोगों के जीवन में। और माँ भारती के इतने मतलब जबरदस्त, मैं चाहूंगा कि ऐसे जो देश में डॉक्टर्स हैं, हम पूरा देश और पूरा हेल्प इंडिया परिवार आपको सैल्यूट करता है सर, आपकी सेवाओं को सैल्यूट करता है, आपके रिसर्च को सैल्यूट करता है। और हम पूरा पैनल आपसे गुजारिश करेंगे कि आप जब भी, पंकज जी आप रिक्वेस्ट करिएगा सर से कि एक सेशन और हो जिसमें थोड़ा सा घर पे कैसे थेरेपी ली जाए, क्या किया जाए, थोड़ा सा सर इसको ले और ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मैनेज करते हुए सर कैसे कर लेते हैं, वो भी एक सेशन सर से हम चाहेंगे। और मैं थोड़ा सा हेल्प इंडिया पर कि हम वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, प्रिवेंटिव हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, डिजिटल हेल्थ और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर हमारा परिवार काम करता है। और अभी गवर्नमेंट ने हमें ई गवर्नेंस को लेके भी कई सारे अप्रूवल दिए हैं, तो उनको भी हमने एड ऑन किया है हमारे इसी कार्य में। आप पूरे कार्य राव साहब और हम कभी आराम से आपके साथ बैठ के पूरी चर्चा करेंगे। आप आए और आपने जो आज सेशन लिया है बहुत जबरदस्त, मैं आपका फिर से पुनः धन्यवाद करता हूँ। और अगर नेशन के बाहर कुछ हमारे साथी हैं तो डॉक्टर सतनम कुछ पूछना चाहें या अपनी बात रखना चाहें तो पंकज जी उन्हें भी मौका दे। और सर का बहुत बहुत आभार। पीयूष सर, थैंक यू सो मच सर। और डॉक्टर सतनम जी अगर कुछ पूछना चाहती है तो पूछ सकती हैं, और बाकी हम लोग सेशन को
मुझे कोई जल्दी नहीं, कोई भी पूछे, जिसको जाना हो जा सकते हैं जी। अच्छा नहीं है पीयूष जी, आप मुझे सुन सकते हैं? हाँ मैं आपको सुन सकता हूँ पीयूष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी पूरी जानकारी मैं भी सुन रही थी और मैंने अपने पिताजी को भी साथ में बिठाया था। मैंने कहा पीयूष जी बहुत अच्छा, आज लिवर किडनी के बारे में, क्लेंजिंग के बारे में ये जो सेशन दे रहे हैं, दिस इज सो इम्पोर्टेंट एंड वाइटल फॉर आवर बॉडी पार्ट्स, स्पेशली फॉर द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो बहुत ही अच्छी आपकी जानकारी हमें लगी। हम आपका सारा साथ में नोट भी किया हमने आपके जो वेबसाइट के लिंक से। थैंक यू ही करना चाहेंगे सर आपको, बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया। मैं एक घंटे से पूरा सेशन देख रही थी एंड आई एम होपिंग टू इंप्लीमेंट दिस ऑन पीपल हियर एज वेल। तो जब जरूरत पड़ेगी मैं जगदीश जी से रिक्वेस्ट करूंगी, तो कभी जो भी इंफॉर्मेशन हमारे को इंग्लैंड के लिए चाहिए होगी तो मैं जगदीश जी के थ्रू आपसे कॉन्टेक्ट करके जो भी यहाँ के लिए कोई इम्पोर्टेंट चीज है वो जरूर आपसे पूछूंगी। Thank you, Jagdish ji. Thank you so much. ये थी डॉक्टर सतनम जो कि यूके से थी, हमारे परिवार की सदस्य हैं और भारत की ही ये निवासी रह चुकी हैं काफी पहले से, और इनके बारे में भी एक सेशन ऑलरेडी हम लोगों ने किया था। और दोस्तों सेशन में समय बहुत हमने डॉक्टर साहब का लिया, लेकिन आपको बता दूं कि अगर आप लोगों को 200 लोग अपने यूट्यूब पे बैठे हुए हैं, 200 लोग अपने इसके ऊपर बैठे हुए हैं, अगर आप लोगों को दोबारा चाहिए सेशन तो एक बार आप वंस मोर टाइप करके बताएं कि वंस मोर अगर आपको कहना है तो डॉक्टर साहब को हम लोग दोबारा बुलाएं, वंस मोर टाइप करें और फिर हम लोग विदाई लेते हैं डॉक्टर सक्सेना जी से, और दोबारा हम डॉक्टर सक्सेना जी से बात करके फिर दोबारा अपॉइंटमेंट फिक्स करेंगे जैसा सर के पास समय स्लॉट होगा। तब तक के लिए आप लोग एक बार वंस मोर का एक या क्या बात है सर, सभी लोगों की सर डिमांड है सर, आपके पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। तो डॉक्टर साहब अपना डॉक्टर राव से मैं कहूंगा कि सर डॉक्टर राव सक्सेना सर से एक बार दोबारा आप बात करके नेक्स्ट सेशन को डॉक्टर साहब से प्लीज फिक्स कर लें, और वो फातिमा जी के साथ फिक्स कर लेंगे जी। थैंक यू सर जी। फातिमा जी भी अपनी लाइन पे ही है, फातिमा जी साथ में ही है, को होस्ट मैंने बना रखा है फातिमा जी को है, और फातिमा लगातार चैट के माध्यम से एक व्हाट्सएप ग्रुप का वो मिल गया और बहुत सारे आपके लिंक लगातार चैट के माध्यम से मिलते रहे, तो जो जिसमें लेक्चर आपके हो रहे थे उसी टाइम पे। तो थैंक यू सो मच फातिमा जी को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहूंगा अपने सेशन पे आने के लिए। फातिमा जी आप अगर सेशन पे अगर हैं सुन पा रहे तो एक बार आपसे भी जनता बात करना चाहती है। फातिमा जी प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। हेलो, थैंक यू सो मच फातिमा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर आप लोगों का, और काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है, और जितनी हो सकी मैंने अपनी लिंक्स जो भी है सबको शेयर किया हुआ है। आप को जिसको किसको भी जो भी क्वेरी है वो हमारे साथ मेल के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकता है, और बाकी सारे जितने इजी लिंक्स हैं जिससे कि आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सके वो सारा सब कुछ शेयर कर दिया गया है। थैंक यू सो मच फातिमा जी, जैसे आप देश सेवा में लगे वैसे ही हेल्प इंडिया परिवार भी एक देश सेवा में लगा हुआ है, और हम दोनों की मंजिल एक ही है, लोगों की सेवा करना। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब का। इसमें आपको मजा तब आएगा जब हमारे अगले सेशन में वो लोग आए जो लिवर क्लींस कर चुके हैं। हाँ, ये जरूरी है। उनके सवाल अलग तरीके के होंगे और उससे मुझे भी मजा आता है कि जब आपस में बात होती ना कि क्या सोचा था और क्या क्या ठीक हो गया। आनंददायक सेशन होता है। बराबर तो सभी लोगों से मेरा आग्रह होगा कि अगला सेशन में जब अगले मोस्टली मैं डॉक्टर से निवेदन करूँ अगले संडे या सॉरी फ्राइडे या फिर थर्सडे को सेशन रखें। तब तक 7 दिन का समय आपके पास है, लिवर क्लीन करिए फटाफट अपना सब लोग, और लिवर क्लीन करके डॉक्टर साहब के सामने पेश होंगे। तब तक के लिए ये बता दो एक चीज की एप्सम सॉल्ट जो है केमिस्ट क्या मिलता है, बड़े केमिस्ट क्या मिल जाता है, इसमें डुप्लीकेट नहीं आता है, किसी भी कंपनी का कैसा भी खरीद ले, 20 ग्राम वाला तो 20 ग्राम वाला खरीद लें, 300 ग्राम वाला 300 ग्राम वाला खरीद लें, और ओपन मिलता है तो लूज भी खरीद लें, 20 ग्राम यूज कर लें, क्वांटिटी कम ज्यादा हो जाए उससे भी कोई चिंता की जरूरत नहीं है। किसी को एक्यूट डायबिटीज वगैरह कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स है तो वो मेल लिख के हमको संपर्क करते हैं, उनको हम बता देंगे क्या क्या सावधानी बरतनी है। ये एप्सम सॉल्ट के लिए है। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल किसी भी शॉपिंग मॉल में मिल जाता है, मॉल्स अगर आजकल बंद चल रहे हैं तो किराना की उन दुकानों पे जहां पे टोमेटो केचप टाइप की चीजें मिलती हैं वहां पे एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल मिल जाता है। सर कोई पहचान इसकी?
किसकी सील्ड बॉटल होती है, ये सील्ड बॉटल होती है, ये इटली और स्पेन से बन के आता है, यहाँ पे रीपैक्ड होता है ये। और ओरिजिनल बॉटल भी आती है, और ओरिजिनल पड़ती है कुछ 450-500 रुपए की, रीपैक्ड होगी 350-350 रुपए की, उसी हिसाब से थोड़ा सा परफॉर्मेंस फर्क होता है। लेकिन कर लें इसको, क्योंकि करने के साथ ही ना, मैं बता रहा हूँ आप लोगों ने जो प्रॉब्लम हेल्थ प्रॉब्लम बताई थी वो कुछ भी नहीं है, जो मैंने पहले वीडियो में बताया था, मैं मेजर इश्यूज से चल रहा था, मेरा 6 महीने से खाना पीना बंद हो गया था, एनर्जी लेवल्स इतने डाउन हो गए थे कि मैं एक सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाता था, तो वहां से मैं निकल के यहां तक आया हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग भी, लेकिन मजा तभी है जब आप करेंगे इसको, क्योंकि अगर सोचने लग जाएंगे ना तो फिर मजा नहीं आता इसमें। और परिवार के लोग और डॉक्टर लोग अक्सर इसका विरोध करते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स ने इस थेरेपी के बारे में पढ़ा नहीं है, और परिवार के लोग शुभचिंतक होने का दावा करते हैं बिना ट्राई किए हुए। तो एक बार कर डालें हमारा आपस में एक दूसरे का भरोसा देख के, फिर मजा देखिएगा इसका। सर ये सॉल्ट क्या ये नॉर्मल सॉल्ट और जो अपना काला नमक या सेंधा नमक उससे अलग होता है? नॉर्मल सॉल्ट सोडियम क्लोराइड होता है, काला नमक भी सोडियम क्लोराइड है, सेंधा नमक भी सोडियम क्लोराइड है, समुद्री नमक भी सोडियम क्लोराइड है, ये मैग्नीशियम सल्फेट है। इसकी प्रॉपर्टी है बाइल डक्ट को डायलेट करना, ये फुला देता है जिसकी वजह से स्टोन्स निकलते हैं और डायरिया होता है। मैग्नीशियम सल्फेट एप्सम सॉल्ट ये अलग चीज है, बिल्कुल ये केमिस्ट का आइटम है ये। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर फैबुलस इन्फॉर्मेशन। और डॉक्टर साहब ने अपनी जो बीमारियां बताई, अपने अपने खुद भी बीमार थे इतना कि मैंने इनके वीडियो इन्होंने एक बार सुसाइड अटेम्प्ट करने का भी प्लान बनाया था, इज इट राइट सर? हां एब्सोल्युटली करेक्ट, मैंने पब्लिकली डिक्लेअर किया हुआ है कि मैं जिंदगी से इतना थक चुका था कि कहीं कोई उम्मीद नहीं रह गई। बाप जी, जाते जाते एक मैम काफी देर से हाथ खड़ी कर रही है, हरप्रीत मैम आईफोन पे है, उनका माइक ऑन कर रहे हैं, वो अपना सवाल रखे हुए। हेलो सर। हाँ बोलिए बोलिए। हेलो सर। हेलो हेलो। सस्तीकाल जी, हरप्रीत मैम आप आपका सर, मैं पंजाब से हूँ, मैंने मैंने सभी क्लिनिक किए हुए हैं, लीवर क्लींस किया, एसिडिटी क्लींस किया, और मैंने सर आवाज आ रही है सर? आवाज आपकी नहीं है। बोलिए बोलिए। जी जी बोलिए बोलिए। ठीक है सर, मैंने जॉइंट क्लींस किया, मेरे को घुटने को काफी प्रॉब्लम थी, पहले तो मैंने ऑयल थेरेपीज की थी, उससे भी मेरे को बहुत फर्क पड़ा था, लेकिन 20% मेरी इतनी रह गई थी कि मैं बैठ नहीं सकती थी, नीचे घुटने मोड़ते नहीं थे, टांगों को स्वेलिंग रहती थी, और क्लिंस के बाद मेरे को 2-3% और रह गया। आप लोगों को क्लियर आवाज आ रही है क्या? नहीं, इनकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आप मैसेज बैठ जाती हूँ पांव के बाहर, लेकिन आगे को खिसक नहीं सकती, एक तो मेरे को इतनी सी प्रॉब्लम रह गई है सभी क्लीनिंग करने के बाद, मैं बहुत ठीक है। हरप्रीत जी का आवाज क्लियर नहीं आ रहा, तो बट हरप्रीत जी की आवाज का जो श्रेय था वो यही था कि उन्होंने सारी क्लीनिंग की हुई है और उनको 99% फायदा हो चुका है। ये मेल भेज देंगे, और मेल भेजने में हमेशा अपना नंबर लिखें, इससे हम उनको तुरंत कांटेक्ट कर सके। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, और हमारे ख्याल से समय सीमा की अपनी सीमाएं हैं समय की, तो डॉक्टर साहब आपका तहे दिल से फिर से हेल्प इंडिया परिवार की तरफ से और हमारे पूरे 24 देशों में सुनने वाले लोगों की तरफ से आपका